इसमें तो मैं बोली कि नहीं तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, जिसमें हम बेसिक टू इंटरमीडिएट टू एडवांस चीजों पे डिस्कस करेंगे जो कि हमारी ऑफिशियल लाइफ में यूज की जाती है। आप लोग अपने ऑफिस में कुछ चीजें को यूज करते हैं, तो आप लोग अपने ऑफिस की प्रॉब्लम को भी डिस्कस कर सकते हैं हमारे क्वेश्चन आवर में। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो और प्लीज माइक को म्यूट कीजिए, मैं अगेन आप लोगों को बोल रहा हूं। तो आज की हम इस क्लास में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने फाइल की टाइप से। देखिए जनरली एक्सेल में हमारे पास फाइल के तकरीबन जो टाइप होते हैं वो होते हैं, जो यूज होते हैं दो तरह के, वो डॉट दो तरह तीन तरह के मान लीजिए, डॉट एक्सएलएस, डॉट एक्सएलएस एक्स एंड डॉट एक्सएलएस एम। ये क्या होता है इस चीज को जानिए। जब फाइल को आप सेव करते हैं तो जनरली आप लोग क्या करते हैं, यहाँ एक्सेल वर्कबुक होता है टाइप में, आप इसको ध्यान नहीं देते, फाइल को सेव कर देते हैं। एक चीज जानिए, जो एक्सेल वर्कबुक है ये आपके फाइल की माइक्रो प्रॉपर्टी को सेव नहीं करता है। जी हाँ, माइक्रो प्रॉपर्टी को सेव नहीं करता है, माइक्रो डिसेबल फाइल है। अगर आपके फाइल के अंदर में किसी तरह का माइक्रो या किसी तरह का कोड लगा है तो डिसेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि माइक्रो क्या होता है। तो बेसिकली फाइल के अंदर में वीवी कोडिंग के जरिए कुछ नए टिप्स क्रिएट किए जाते हैं, कुछ नए फॉर्मूले क्रिएट किए जा सकते हैं, कुछ नया ऑप्शन क्रिएट किया जा सकता है, अपने हिसाब से एक्सेल को कस्टमाइज किया जा सकता है। ऐसे फीचर्स को एक्सेलएस एम मतलब कि एक्सेल माइक्रो एनेबल वर्कबुक में सेव किया जाता है। तो आप फाइल को सेव करने से पहले या सेव एज करने से पहले जरूर देखिए कि फाइल में कोई माइक्रो है या नहीं है। तो कैसे देखेंगे फाइल में माइक्रो है नहीं, वो फाइल के आइकन से आपको पता चल जाएगा। देखिए एक मैं कुछ फाइल का लिस्ट आपको दिखा रहा हूं। अब इसमें क्या है कि इस तरह का जो आइकन होगा ये आपको माइक्रो एनेबल वर्कबुक है, मतलब कि इसके अंदर में शायद कुछ भी ये कंटेंट हो अच्छा सकता है, वीवीए कंटेंट हो सकता है, बट ये जो फाइल है इसमें वीवीए कंटेंट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि नॉर्मल एक्सेल फाइल है। तो ऐसे फाइल अगर कोई भेज रहा है जिसका आइकन इस तरह से है, इसका एक्सटेंशन को पता है, एक्सटेंशन देख सकते हैं प्रॉपर्टीज में जाके, तो एक्सएलएस एम का यहां पे होता है। तो सेव एज करते समय इसका ध्यान रखिएगा। दूसरा, आपके ऑफिस में ऐसा हो सकता है काफी ज्यादा लार्ज फाइल हो और जब उसको आप सेव करते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं, तो आपका फाइल काफी ज्यादा हैंग होता है, नीचे कैलकुलेटिंग परसेंटेज दिखाते रहता है। ऐसे केसेस में आप अगर चाहते हैं कि मेरी इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व की जाए, तो 100% तो सॉल्व नहीं होगी, बट यहां आपको जो है एक्सेल बाइनरी वर्कबुक अगर सेलेक्ट करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक्सेल बाइनरी वर्कबुक, ये एक्सेलएस एम बी हो, एक्सेलएस बी होता है, इसका लास्ट में बी लगा होता है। ये इसे इसमें फॉर्मेटिंग फॉर्मूले स्टोर नहीं होते हैं, बट आपकी फाइल जो डेटा है वो डेटा बहुत ही कम साइज में हो जाता है नॉर्मल एक्सेल के मुकाबले, तो इसका ध्यान आप रखिएगा। दूसरी बात हम करते हैं टेम्पलेट्स की। टेम्पलेट क्या होता है, जैसे कि आपने फाइल पे क्लिक किया और जनरली आप यहाँ से अपने जो ओपन फाइल होते हैं, रिसेंट हमने जो फाइल यूज किया है उसका आप यहाँ से ले सकते हैं। लिस्ट चेंज होती रह सकती है, जी हाँ, ये जो लिस्ट आपको दिखता है या फिर आप ओपन में जाके जो लिस्ट देखते हैं, ये लिस्ट जो है चेंज होती रहती है। क्यों चेंज होती है, क्योंकि ये रिसेंट फाइल की लिस्ट रखती है। आप दिन में मान लीजिए 100 फाइल यूज करते हैं, तो इसकी एक लिमिटेशन है लिस्ट की,
उतने फाइल को यहाँ पे वो लिस्ट में जगह देता है, अगर ज़्यादा हुई तो लिस्ट से बाहर कर देता है। लेकिन क्या है कि आपकी कुछ जो फाइलें हैं वो फाइलें बहुत ज़्यादा यूजुअल है और आप डेली उस फाइल को ओपन करते हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत सारा फाइल खोल लेते हो तो वो फाइल लिस्ट से बाहर चला जाता है, तो फिर ओपन करने के लिए फिर आपको उस लोकेशन में जाके ओपन करना होता है। यहाँ पे एक फैसिलिटी है पिन का, फैसिलिटी पिन का, जैसे मान लीजिए बुक वन है, मुझे इसको बार बार ओपन करना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पिन कर लिया। तो पिन करने से क्या होगा, ये मेरे पिन लिस्ट में चला गया, ये लिस्ट से बाहर नहीं होगा। लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि इसमें आप 100-200 लिस्ट बना सकते हैं, इसकी भी लिमिटेशन है। लेकिन हमारे पास मोस्टली 8 या 10 ही तो फाइलें होती है जिसको हम डेली ओपन करते हैं या बार बार ओपन करते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक हमारा आता है वो आता है, हम बात कर रहे थे टेम्पलेट के ऊपर। टेम्पलेट क्या होता है? देखिए टेम्पलेट होता है कि बनी बनाई फॉर्मेट आप खुद भी बना सकते हैं या माइक्रोसॉफ्ट ने आपको बनी बनी फॉर्मेट आपको दे दिया है। जैसे न्यू पे आप जाके करते हैं या न्यू पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे, पहले तो आपके टेम्पलेट ब्लैंक वर्कबुक के सारे कुछ और जो रिसेंटली यूज टेम्पलेट होते हैं या फिर आपके टूल होते हैं, इसके अलावा यहाँ पे देखिए बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे। बट इसके लिए इंटरनेट का एक्सेस उस समय पीसी में होना चाहिए। यह अलग अलग कैटेगरी है, जैसे बिजनेस कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ बिजनेस कैटेगरी से रिलेटेड टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे। जी हाँ, बिजनेस कैटेगरी से रिलेटेड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। आप इसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। तो यूज क्या करना है, मान लीजिए कि आपके बॉस ने आपको बोला कि मुझे एक इनवॉइस का या बैलेंस शीट का सैंपल बना के दो, एक फॉर्मेट बना के दो, या वर्क ऑर्डर का फॉर्मेट बना के दो। अगर आपके सिस्टम में कोई फॉर्मेट पड़ा होगा तो उसको सेव एज करके मॉडिफाई कर दोगे, सिस्टम में नहीं पड़ा होगा तो आपको पता है तो बना लेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी रिपोर्ट के मुझे हम लोगों के बारे में पता ही नहीं होता है कि रिपोर्ट आखिर होता क्या है, तो उस केसेस में हम लोग यहाँ गूगल पे जाने के बजाय, मैं यहाँ जैसे बिल पे क्लिक करके एंटर मारूंगा तो यहाँ आप जो है अपनी जो देखिए रिलेटेड इन्वाइसेस का लिस्ट आ गया, जो जरूरी है जो आपके लिए रिक्वायरमेंट को फिट बैठती है उस पर क्लिक करें और यहां से क्रिएट का ऑप्शन आएगा, क्रिएट का। लेकिन ध्यान रखिएगा क्रिएट करते समय आपके सिस्टम में इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए। दूसरा, आप खुद से भी टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, खुद से भी आप टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे, बस आपको कुछ नहीं करना है, आप जो टेम्पलेट बनाते हैं उसको सेव एज कर दीजिए। हाँ, सेव एज करते समय जब ब्राउज करके अपनी लोकेशन वगैरह चूज करते हैं उसी में यहाँ टाइप होता है, टाइप में यहाँ टेम्पलेट कर दीजिए। टेम्पलेट से होता है क्या है कि आपको हर बार वो टेम्पलेट को सेव एज करके डेटा क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बनी बनाए एक फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, तो सेव एज टेम्पलेट कर सकते हैं। के बाद हम वापस आते हैं, एक कस्टम लिस्ट के बारे में मैं डिस्कस करूंगा आपको। जैसे कि आप लोग यहाँ जैन लिखते होंगे और नीचे की तरफ ड्रैग कर देते होंगे तो ये जैन फेब मार्च आ जाता है। मैं संडे लिखता हूँ, संडे के लिख के ड्रैग करता हूँ तो मेरा संडे मंडे वीक आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए मैं अपने टीम मेंबर का नाम यहाँ पे डाला और टीम मेंबर का नाम डालने के बाद मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो सारे टीम के नाम आ जाएंगे। ट्रेनीज, आपसे मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने माइक और वीडियो ऑफ कर दीजिए प्लीज। मैं नाम डाला और नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया तो यहां पे टीम मेंबर के नाम आपके सामने दिख रहे हैं। ये लिस्ट आप लोगों के सिस्टम में नहीं आया, आप लोगों के सिस्टम में ना आने का रीजन है क्योंकि ये लिस्ट को क्रिएट किया जाता है, आप अपने हिसाब से अपने टीम का, अपने प्रोडक्ट का,
अपने सिटी का, अपने क्लाइंट का, ऐसा लिस्ट जो जिसको आपको बार बार टाइप लिखना होता है या कहीं से आप कॉपी पेस्ट करते हैं, बार बार आप लिखते हैं या कहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं, उसका आप जो है यहां पे लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो लिस्ट हम कहां से क्रिएट करेंगे, चलिए इसको एक बार हम देख लेते हैं। इसको लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमें यहां फाइल में जाना होगा, फाइल के ऑप्शन, अगर जिसके पास ऑफिस 2007 है वो लोग यहां फाइल मेन्यू बार कर सकते, यहां पे आपको एक बटन दिखेगा, उस बटन पे जा सकते हैं। लेटेस्ट में तो फाइल है, इसका एक्सेल ऑप्शन पे नीचे, और ऑप्शन के बाद आप जो है यहां एडवांस पे आइए और सबसे नीचे चले जाइए, यहां आपको दिखेगा एडिट कस्टम लिस्ट। यहां पे जैसे मैंने लिस्ट क्रिएट कर रखे हैं नाम के अपने कोर्सेज के, ऐसे न्यू लिस्ट पे जाएं और अपनी लिस्ट को टाइप कर दें। अगर लिस्ट कहीं पे टाइप है तो मैं आप क्या करें, यहां सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर लें, आपको इंपोर्ट हो जाएगा, अपना एरिया सेलेक्ट करें और इंपोर्ट करें, इंपोर्ट हो जाएगा। चलिए एक लिस्ट मैं क्रिएट करके दिखाता हूं, मैं एक प्रोडक्ट लिस्ट बनाता हूं यहां पे। तो मैं टाइप करता हूं डीवीडी, एंटर, सीडी, हमने बना लिया और ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद बस आपका किसी एक प्रोडक्ट का नाम देना, आप यहां पे जरूरी नहीं है, यहां पे जरूरी नहीं है कि आप जो है स्टार्टिंग का प्रोडक्ट जो ऐड किया था उसी का नाम डालें, कोई भी एक प्रोडक्ट जो है आप यहां पे रखें और नीचे की तरफ ड्रैग करें, बाकी प्रोडक्ट यहां पे आपके सामने आ जाएगा। तो इसका यूज, अब देखिए ये चीजें हमने चेंज की है, कोई एक पर्टिकुलर फाइल में नहीं, मतलब कि बुक वन है, मैंने इस बुक वन में नहीं की, इसको हमने पूरी एप्लीकेशन में शेड किया। जी हाँ, पूरी एप्लीकेशन में हमने इसको शेड किया हुआ है। तो अब मैं अब कोई भी फाइल खोलूं, चाहे पुराना हो या नई फाइल हो, हम इसको चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, पुराना हो या नया हो, हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब इसमें अगला ऑप्शन आता है, अब हम बात करते हैं अपने कॉपी पेस्ट की। जी हाँ, कॉपी पेस्ट तो आते हैं, आप लोग कॉपी पेस्ट को यूज करते हैं, मैं आपको बेसिक कॉपी पेस्ट नहीं सिखाऊंगा, लेकिन हाँ कुछ भी इसमें नई चीजें हैं जो कि आपको सीखने की जरूरत है। तो एक छोटा सा मैं डेटा बनाता हूँ, हर डेटा मेरे पास है, तो बड़ा डेटा नहीं बनाता हूँ क्योंकि बड़े डेटा पे इफेक्ट जल्दी समझ में नहीं आता है, छोटे डेटा पे इफेक्ट जल्दी समझ में आता है। और साथ में मैं यहाँ एक फॉर्मूला ही बताऊंगा, जैसे मुझे सीरियल नंबर लिखने हैं तो जनरली 1 और 2 लिख के रैग कर देते हैं, लेकिन अगर आपको सीरियल नंबर लिखना है, बार बार चेंज करते रहते हो, तो आप क्या कीजिए, इसमें एक काम कर सकते हैं कि इसके ऊपर वाले सेलेक्ट कीजिए एंड +1 कर दीजिए, अब आपका सीरियल नंबर बनेगा बट फॉर्मूला से बन जाएगा। खासियत यह है कि मैं यहाँ पे अगर चेंज किया तो नीचे सारा चेंज हो जाता है, कुछ नहीं करना है, जस्ट ऊपर वाले में +1 कीजिए और नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। साथ में कभी अगर रैंडम डेटा का या सैंपल डेटा की जरूरत पड़ी तो आप रैंड बिटवीन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, रैंड बिटवीन, मैं इसको बहुत यूज करता हूँ, रैंड बिटवीन, आप यहाँ स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर दें और इसके बीच का कोई भी एक रैंडम नंबर आपको दे देगा और ये नंबर हर बार चेंज होते रहेगा। जी हाँ, हर बार चेंज होते रहेगा, ये नंबर हर बार चेंज होता है। अब इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं थोड़ा सा, इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ फॉर्मेट हमारे होते हैं फॉन्ट से, अलाइनमेंट से, नंबर से, ये तीन तरह के कैटेगरी फॉन्ट आपको यहाँ दिखेंगे। अब चलिए इनकी फॉन्ट हम यूज करते हैं, इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मुझे बॉर्डर चाहिए तो मैं यहाँ से बॉर्डर अप्लाई किया, बॉर्डर के सारे कैटेगरीज हैं तो यहाँ मैं ऑल बॉर्डर करना चाहता हूँ, मैं ऑल बॉर्डर कर दिया। उसके बाद मैं इसकी बैकग्राउंड कलर जो है चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकता हूँ, जैसा कलर मुझे चाहिए। ये हमारा फॉन्ट कलर होता है, फॉन्ट कलर भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, बोल्ड करना है बोल्ड, इटैलिक करना है इटैलिक, इसके बारे में और डिटेल में जाना है तो आपको इस पर आके जा सकते हैं। अभी मैं थोड़ी देर पे इस पे आता हूँ, अभी फिलहाल मैंने एक डेटा बना लिया, मेरे पास फॉर्मूले हैं,
अब कभी कभी क्या होता है कि मुझे इसको कॉपी करके कहीं पेस्ट करना होता है। तो यहां अगर हम पेस्ट नॉर्मली कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं तो जैसा नंबर वैसा आएगा। या देखो यहाँ पर वैल्यू चेंज हो गया, हर बार कुछ होता है तो वैल्यू अपने आप चेंज होता है, तो इस पे ध्यान मत दीजिएगा। मैं रैम रिपीटिंग का फॉर्मूला इसलिए लगाया हुआ है। तो कॉपी करो कि जैसा है वैसा पेस्ट करना, जहां मर्जी इस सीट पे किसी और सीट पे आप पेस्ट कर सकते हो। लेकिन मुझे पेस्ट करते समय कुछ चीजें ही पेस्ट करनी है, मतलब कि मुझे पूरा का पूरा डेटा पेस्ट, जैसा है वैसा डेटा मुझे पेस्ट नहीं करना है, मुझे इसमें से कुछ ही डेटा को पेस्ट करना है। तो हमने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल है, या फिर यहां भी आपको पेस्ट स्पेशल दिख जाएगा, पेस्ट स्पेशल पे जाएं। पेस्ट स्पेशल आपको अलाउ करता है कि आप कॉपीड एरिया में से कुछ पर्टिकुलर पार्ट को ही पेस्ट करें। जैसे कि मैं फॉर्मूला करता हूं तो फॉर्मूला को पेस्ट हुआ। अब कुछ बच्चे मुझसे सवाल पूछ देते हैं, सर नेम में तो कोई फॉर्मूला नहीं था तो क्यों पेस्ट हुआ? फॉर्मूला का मतलब हुआ जो फॉर्मूला बार के अंदर आपको विजुअल है वो पेस्ट करेगा। जी हाँ, जो फॉर्मूला बार के अंदर विजुअल है उसको पेस्ट करेगा। तो फॉर्मूला बार के अंदर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला पेस्ट कर दिया, नाम है तो नाम, नंबर है तो नंबर पेस्ट कर दिया, बट फॉर्मेटिंग पेस्ट नहीं करेगा। और कभी कभी क्या होता है कि फॉर्मूला पेस्ट करने के बाद दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जब कुछ चेंज करेंगे तो फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। तो मुझे इसकी कंटेंट मतलब कि वैल्यू चाहिए, तो राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल किया और हमें आप वैल्यू पे कर दें, तो इसका कंटेंट इसने पेस्ट कर दिया। आप देखेंगे नंबर मैच नहीं करेगा क्योंकि यहाँ रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगाया जो चेंज हो जाता है हर बार। तो इसने इसकी वैल्यू पेस्ट कर दी, आप देखिए इसके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हमने कॉपी करके पेस्ट जो वैल्यू किया तो हर तरह की फॉर्मेटिंग और किसी भी तरह के फॉर्मूले को यहाँ से इसने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे डाउट एक आती है कि मान लीजिए मुझे जहाँ लोकेशन है मुझे वहीं से फॉर्मूला हटाना है, जैसे कि रैन बिटवीन है, जब भी हम कुछ करते हैं तो अपना रिजल्ट चेंज कर लेता है, मुझे इसको यहाँ से इस रैंडमली फॉर्मूले को हटा देना है, 67 हमारा मैनुअल होना चाहिए इस तरह से। तो कुछ नहीं करना है, उस एरिया को कॉपी कीजिए और उसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल और पेस्ट एज ए वैल्यू कर दीजिए, आपका रिमूव हो जाएगा। इसका यूज हम ऑफिस में बहुत करते हैं। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑफिस में क्या करते हैं इससे। इसलिए मुझे एक रिपोर्ट लेना पड़ेगा, मैं एक बार रिपोर्ट लेता हूँ। चलिए मैन्युफैक्चरिंग डैशबोर्ड है, मैं इसी को ले लेता हूँ। जी हाँ, अब देखिए ये रिपोर्ट हमारा बना हुआ, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हमने लगाए हुए हैं। अब मुझे इस रिपोर्ट को भेजना है किसी को। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये रिपोर्ट हमारे फाइनल सीट से या कि और डिफरेंट सीट से कनेक्टेड है। अब प्रॉब्लम है कि अगर फाइल में भेजूंगा तो दिक्कत क्या होगा कि उनको ये सीट होना चाहिए, ये सीट जो कनेक्टेड सीट्स हैं वो कनेक्टेड सीट उनको होने चाहिए। अब कनेक्टेड सीट होने चाहिए तो प्रॉब्लम यहाँ पे एक आता है कि मैं उनको सीट नहीं भेज सकता। रीजन मतलब कि सिर्फ मैं रिपोर्ट जो है हमारा थ्रूपुट डेटा रिपोर्ट है, मैं सिर्फ इसी को भेज सकता हूँ, इसके अलावा किसी और को नहीं भेज सकता। इसका रीजन ये है कि एक कॉन्फिडेंशियल डेटा है या फिर काफी लार्ज डेटा है जो कि मेल पे नहीं जाएगा। तो सिर्फ सीट को कैसे मेल करें? तो सिर्फ सीट को तो मेल नहीं कर सकते, मुझे इस सीट को यहां से निकाल के कहीं कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो जब कहीं किसी अलग फाइल में, नई फाइल में आपको पेस्ट करना है तो मैं राइट क्लिक करें इस पे और इसी में आपको मूव एंड कॉपी दिखेगा। जी हाँ, मूव एंड कॉपी दिखेगा। राइट क्लिक करते ही आपको मूव एंड कॉपी दिख जाएगा। यहां पे आपको न्यू वर्कबुक सिलेक्ट करना है, ओपन वर्कबुक का लिस्ट आएगा किसी, जैसे मुझे बुक वन में भेजना है तो बुक वन सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे न्यू वर्कबुक भेजना है तो यहाँ पे न्यू बुक सिलेक्ट करूंगा और यहाँ क्रिएट कॉपी, ध्यान रखिएगा अगर आपने क्रिएट कॉपी नहीं किया तो इसको मूव कर देगा। तो यहाँ पे आपको क्रिएट कॉपी पे क्लिक करना जरूरी है एंड ओके कीजिए, एक नई फाइल में ये आपको यहाँ डाल दिया, एक बुक टू यहाँ से ओपन किया और डाल दिया। अब रीजन यहां पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहां पर है कि अभी भी लिंक है मेरा फाइल। अब मेरे पास ये मैन्युफैक्चरिंग डैशबोर्ड पड़ा है, इसलिए रिपोर्ट दिख रहा है। अगर मान लीजिए मैं किसी को भेज दूं
आप रंजीत जियाफी को भेज दूं मैं, तो क्या होगा, आपको डेटा नहीं दिखेगा, हो सकता है एरर आए, हो सकता है कुछ डेटा दिख भी जाए, लेकिन परफेक्टली नहीं होगा क्योंकि इसका डेटा रेंज नहीं है। तो मुझे इन सबों का पेस्ट एज वैल्यू करना है। अब प्रॉब्लम है कि इसमें आगे चल के चार्ट्स भी हो सकते हैं या कुछ ऐसे रिजल्ट है जो कि मैनुअल है, कुछ फॉर्मेट है, कुछ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कहीं पे ब्लैंक भी है, कोई जरूरत नहीं। आप यहां देखिए वन और ए के बीच में एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल पे जाइए और क्लिक कीजिए, आपका पूरा शीट सेलेक्ट हो जाएगा। फिर कॉपी कीजिए और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज वैल्यू कर दीजिए, पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज वैल्यू। तो आपकी फॉर्मेटिंग जो भी है थोड़ा थोड़ी भी उसमें फेरबदल नहीं होगी, आपकी चार्ट हर चीज जहां है उसी जगह पर रहेंगे, सिर्फ इसका फॉर्मूला गायब हो जाएगा, इसका फॉर्मूला रिप्लेस हो गया इसकी वैल्यू से। अब इसको इजीली आप सेव करके किसी को भी भेज सकते हो। सो हम पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज वैल्यू का अच्छा खासा यूज करते हैं। अब पेस्ट वैल्यू में एक दिक्कत और होती है, जैसे आपके डेटा में अगर कोई डेट यहां पर आ गया, मान लीजिए यहां पर हम कोई डेट डाल देते, जब हम डेट को पेस्ट करते हैं, जी हाँ, जब हम डेट को पेस्ट करते हैं और पेस्ट एज ए वैल्यू कर देते हैं यहां पे, या डेट हो या टाइम हो, तो ये हमारा इस तरह के नंबर्स पे आते हैं। अब जानिए कि ये नंबर्स होता क्या है। बेसिकली ये जो नंबर होता है, ये नंबर होता है नंबर ऑफ डेट। जी हाँ, आज की डेट हमने डाला तो सिस्टम आपको यहां डेट दिख रहा है, जैसे मैंने आज की डेट यहां डाला, सिस्टम आपको यहां पर डेट दिखा रहा है, एक्चुअल में ये डेट नहीं है, एक्चुअल डेट नहीं है, क्या है, आपको दिख रहा है डेट, बट इसकी फॉर्मेटिंग में आप यहां से जनरल फॉर्मेट कर दें, यहां आप जनरल फॉर्मेट कर दें तो आपको यहां पे नंबर दिखेगा। तो ये नंबर है, यह है नंबर ऑफ डेज, जब से कंप्यूटर कैलेंडर स्टार्ट हुई है तब से, और जो डेट डली है तब तक की जो डेट है वो कितने डेज हुए, ये डेज आपको पता चलता है। अब प्रॉब्लम यहां पे आ गई है कि एक कैसे प्रूफ करें। तो प्रूफ करने के सिंपल है कि वन टाइप कीजिए और इसके ऊपर आप डेट का फॉर्मेट अप्लाई कीजिए, कोई भी फॉर्मेट। यहां दिख रहा है फर्स्ट फर्स्ट 1900, फर्स्ट फर्स्ट 1900। अगर मैं इसमें यहां पे 33 कर दूं तो आप देखेंगे सेकेंड 5 आ गया, 367 डाल देता हूं तो ईयर चेंज हो जाता है। उस तरह से मैं 43929 डालूंगा तो ये आज की डेट आपको शो कर देगा, आज की डेट नहीं, 43929, जी आज की डेट शो कर देगा। प्रॉब्लम होता है कि ऐसा किया क्यों गया, ऐसा करने के पीछे रीजन ये है कि अगर किसी भी नंबर के साथ आप किसी तरह का टैक्स लगा देते हो तो उसके ऊपर आप किसी भी तरह की कैलकुलेशन नहीं कर सकते, बट डेट अगर हमने फॉर्मेट चेंज किया और डेट की बात करें यहां पे, तो इस पे प्लस 20 करूंगा तो देखिए ऐड हो जाएगा, मतलब 20 दिन बाद की डेट आपको दिख गई, हमने जस्ट डेट में 20 दिन ऐड कर दिया, ऐसा इसलिए किया। तो आपको पेस्ट करते समय ऐसी प्रॉब्लम हो कि आप नंबर फॉर्मेट भी चाहिए आपको, तो कॉपी कीजिए और पेस्ट स्पेशल करते समय यहां पेस्ट एज ए वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट को यूज करके ओके करें, फिर आपका पेस्ट हो जाए, सेम पेस्ट होगा, आपकी कोई फॉर्मेटिंग नहीं आएगी, कोई फॉर्मूला नहीं आएगा, सिर्फ आएगा तो डेट एंड डेट की फॉर्मेट, देखिए नंबर की फॉर्मेट, तो यहां नंबर की फॉर्मेट होती है, ये नंबर की फॉर्मेट आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ये थी हमारी पेस्ट स्पेशल की बात है, लेकिन कुछ चीजें हैं उसको एक बार समझ लीजिए आप। पहली चीज है कि आप डेटा को लिंक भी कर सकते हैं, जैसे कि आप वो डेट लिंक करने के लिए, मान लीजिए मैं एक सिस्टम में यहां पे डेट लिखता हूं, D1 में मैंने डेट लिख दिया, मैं चाहता हूं कि ये सेम यहां भी सेम के साथ लिंक हो, मुझे यहां भी चेंज ना करना पड़े, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, इक्वल प्रेस करते हैं और जहां पे चाहिए वहां पे क्लिक करके एंटर प्रेस कर देते हैं, तो यहां पे लिंक हो जाता है।
और फिर इसको ड्रैग कर दीजिए, यहां पे आ जाएगा, फॉर्मेट चेंज कर दीजिए। अब यहां पे हम मैं चेंज करूंगा, जैसे मान लीजिए मैं यहां पे डाल दिया अगस्त का डेट, तो यहां देखिए अगस्त का डेट आ जाएगा। तो ये तो छोटे डेटा पे एक दो सेल है तो कर लीजिएगा, लेकिन एक बड़ा सेल हो तो कैसे कीजिएगा लिंक। तो उस केस में डेटा को कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद यहां पेस्ट स्पेशल, और यहां पे आपको यहां पेस्ट एज ए लिंक दिखेगा, ये इससे लिंक्ड हो गया। अब मैं 47 को अगर मान लीजिए मैं 85 करके एंटर मारता हूं, तो एंटर मारते ही आप यहां पे कोड चेंज हो गया, नंबर चेंज हो गया। तो किसका यूज है, पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए लिंक्ड का, हमने लिंक किया और इसको अपडेट कर लिया। एक में पेस्ट स्पेशल एक भी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि बताना जरूरी है, मैं बता देता हूँ। जैसे कि कुछ नंबर्स आपने लिखे हुए हैं, मान लीजिए मैंने अपने सेल्स की क्वांटिटी यहाँ पे रख दी, और इस सेल्स क्वांटिटी में मैंने किसी टीम को भेजा क्रॉस चेक करने के लिए कि एक्चुअल सेल है क्या, क्योंकि हमने सेल तो कर ली, कुछ माल वापस भी आ जाते हैं, कुछ कम ऑर्डर भी होते हैं, तो मेरे हिसाब से सेल्स ये है, आपके हिसाब से क्या सेल्स बताइए। तो उन्होंने किसी टीम ने इसको चेक किया और यहाँ पे मान लीजिए कि 65 दे दिया, कि नहीं 60 नहीं 65 है, यहाँ पे आपको बताया कि नहीं नहीं A112 है, 895 है, ऐसे आपके कुछ अपडेट यहाँ पे दे दिए। अब मुझे क्या करना है, इसको इसमें अपडेट करना है, जी हाँ मुझे इसको इसमें अपडेट करना है। तो कैसे करें, उस केस में हम इसके ऊपर कॉपी करें और फिर इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में हम हमारे पास यहां आता है स्किप ब्लैंक, स्किप ब्लैंक करेंगे तो इसके ऊपर पेस्ट कर देगा, इसके ऊपर पेस्ट कर देगा। नॉर्मल को भी पेस्ट करते तो ये पूरी की पूरी चेंज कर देता, लेकिन उसने उसी को पेस्ट किया जिसमें वैल्यू थी, ब्लैंक को स्किप कर दी। अभी कुछ लोगों के मन में जिज्ञासा होगा कि अभी अभी हमने डेट का फॉर्मेट चेंज किया है, तो कैसे चेंज हुआ, इसके लिए मैं कंट्रोल शिफ्ट हैश यूज किया था। आप लोगों को यह भी जिज्ञासा होगी कि बाकी चीजों का शॉर्टकट कैसे पता चलेगा और शॉर्टकट जरूरी क्यों है। देखिए शॉर्टकट के जरिए अगर आप काम करते हैं, मतलब कि माउस पॉइंटर के बजाय आप कीबोर्ड से काम करते हैं, तो आपका स्पीड 20-30% बढ़ जाता है, ऐसा रिसर्च में पाया गया है। तो शॉर्टकट की पता कैसे चलेगा, तो आप इसके ऊपर अपना कर्सर रखें तो यहां पे इसका शॉर्टकट की हो जाएगा। देखिए मुझे इसकी एक लिस्ट चाहिए ताकि मैं इसको याद कर सकूं, तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड का F1 प्रेस करें या फिर यहां सर्च पे जाके क्लिक करें, तो यहां आपके सामने एक्सेल हेल्प आ जाएगा। कीबोर्ड का F1 या सर्च में जाके भी आप यहां भी सर्च कर सकते हैं, सिंपल सा शॉर्टकट, जैसे आप गूगल में सर्च करते हैं और यहां आपका दिखेगा कीबोर्ड एंड शॉर्टकट इन एक्सेल। तो शॉर्टकट का लिस्ट आपका आपके एक्सेल में ही है, आप एक्सेल का F1 प्रेस करें और सर्च करके यहां से निकाल, सारे शॉर्टकट की आपको यहां पर है जो भी डिफाइंड है। लेकिन कुछ शॉर्टकट की डिफाइंड नहीं है, जैसे कि मान लीजिए मुझे इसको बॉर्डर अप्लाई करना है तो मैं Alt+HBA कर देता हूं। तो Alt+HBA क्या है, कैसे पता चलेगा, तो आप जो है डायरेक्ट जो है बिना माउस पॉइंटर के मेनू बार में भी जा सकते हैं, कैसे, अपने कीबोर्ड का Alt की प्रेस करें तो आपके मेनू बार एक्टिवेट हो जाएंगे। अब मुझे होम में जाना है तो मैं कीबोर्ड का H पेस्ट करूंगा, क्योंकि इस करेक्टर पे H दिया हुआ, होम मेनू बार के नीचे H करेक्टर दिया हुआ, फिर होम मेनू बार के जितने भी ऑप्शंस हैं सब आपका एक्टिवेट हो जाएगा। उसमें आपके सामने यहां B4 बॉर्डर है, A4 ऑल बॉर्डर है, तो नेक्स्ट टाइम मुझे याद हो गया। तो ऐसे शॉर्टकट भी देख सकते हैं, तो आप एक्सेल हेल्प में जाके शॉर्टकट के लिस्ट निकाल लीजिए, और अगर जिसका शॉर्टकट नहीं है उसको ऑल्ट की के साथ उसके अंदर आप जा सकते हैं। चलिए हम टॉपिक से वापस आते हैं।
अब हम बात करते हैं डेटा फॉर्मेटिंग की। कोई अगर पर्टिकुलर डेटा है हमारे पास, जैसे ये डेटा था, तो इसकी फॉर्मेटिंग हम कैसे करें, इसकी फॉर्मेटिंग के ऊपर चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो फॉर्मेटिंग के ऊपर डिस्कस करने के लिए यहां हमारे पास तीन चीजें, फॉन्ट, अलाइनमेंट एंड नंबर। तो यहाँ पे जो दी गई है मोस्ट यूज्ड चीज दी गई है, इसके लिए आप अंदर जाते हैं तो आपको पूरा डिटेल में दिखेगा। ये आपके फॉन्ट्स हैं, ये आपका रेगुलर जो आपका फॉन्ट स्टाइल रेगुलर है, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक, यहाँ पे फॉन्ट की साइज है, यहाँ पे आप अंडरलाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, फॉन्ट की कलर है, और यहाँ आपका स्टिक थ्रू है, सुपरस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, इस चीज पे एक बार जान लें। जैसे मुझे 10 डिग्री लिखना है, कैसे लिखें, तो मैं यहाँ पे 10 और स्मॉल में ओ लिख देता हूँ, और फिर इस ओ को सिलेक्ट करूंगा और इसके ऊपर जाके फॉर्म राइट क्लिक करूंगा फॉर्मेट सेल में, और यहाँ सुपर स्क्रिप्ट होगा। तो ये जो नीचे है ये ऊपर छोटा होकर ऊपर चल जाएगा डिग्री की तरह, तो सुपर स्क्रिप्ट का यूज यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद बैकग्राउंड कलर है, तो आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। अब बैकग्राउंड कलर में भी आपको एक्स्ट्रा कलर चाहिए तो यहाँ दिया गया है कलर है। इसके अलावा यहाँ पे मोर कलर है, जहाँ पे आपके स्टैंडर्ड कलर है। इसके अलावा यहाँ आपका आरजीबी मेथड है, वो आप ले सकते हैं, आरजीबी कोड डालिए या फिर यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, आपका आरजीबी कोड दिख जाएगा। इसके अलावा भी आप जाएंगे फॉर्मेट में, तो फॉर्मेट में आपको यहाँ फिल में, इसके अलावा फिल इफेक्ट मिलेंगे, इस तरह की इफेक्ट दो कलर का कंबाइन करके इस तरह से दो इस तरह से इफेक्ट बना सकते हैं और इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आपके सामने, इसके सामने यहाँ पे आपको ये दिखेगा, इसके पैटर्न दिखेगा, पैटर्न चाहिए तो पैटर्न भी ले सकते हैं, हालांकि इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है। लेकिन इसमें कुछ और चीजें भी है फॉर्मेटिंग में, जैसे हम अलाइनमेंट की बात करते हैं। जी हाँ, अलाइनमेंट की बात करते हैं तो यहाँ आपके सामने दो तरह के अलाइनमेंट है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, टॉप, मिडल एंड बॉटम। ये आपका लेफ्ट, राइट एंड मिडल, जो भी आप टाइप करेंगे उसको उस हिसाब से अपने, जैसे मैं नाम मान लीजिए कि पूजा टाइप किया, और अगर टीम में किसी का नाम पूजा है तो मुझे माफ कीजिएगा, आपका नाम मैं यूज कर रहा हूं। यहाँ पे इस तरह से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये आपका लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हैं। ये आपका इंडेन होता है अपने हिसाब से, तो क्योंकि एक बार आप सेंटर करेंगे तो पूरा बीच में आ जाएगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा हल्का आगे पीछे करना है तो इसका यूज कर सकता हूँ। उसके अलावा हमारे पास रैप टेक्स होता है, मतलब कि जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, या एक नई सीट में लिखता हूँ, यहाँ मान लीजिए मैं अपना नाम ही लिखता हूँ, सुजीत कुमार। तो क्या हुआ कि अब मैं आगे वाली एम और आर आपको दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि अगले बी वन में वैल्यू नहीं है। जैसे मैं बी वन में वैल्यू डालूंगा ये हाइड हो जाएगा। तो इसके दो तरीके हैं, खाए तो मैं डबल क्लिक करके अपनी कॉलम को ऑटो फिट कर लूँ, कॉलम के जो डिवाइडर है उस पर डबल क्लिक करूंगा तो ऑटो फिट हो जाएगा, या ऑटो फिट नहीं करना चाहता हूं तो मैं यहां पे रैप टेक्स है तो इस पर क्लिक करूंगा तो टूट के नीचे आ जाएगा। अब रैप टेक्स की बात रही तो मैं अपने हिसाब से तोड़ना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे इस तरह से करूंगा तो मैं अपने हिसाब से तोड़ पाऊंगा, ऑल्ट एंटर। जी हाँ, इसका शॉर्टकट है ऑल्ट एंटर, तो अपने हिसाब से कर्सर नीचे आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मुझे जरूरत होती है कि मेरा कॉलम का साइज या रो का साइज ना बढ़े, ऑटोमेटिकली ये बड़ा हो जाए, तो इस केस में मैं यहाँ अलाइनमेंट पे, यहाँ अलाइनमेंट के बॉटम पे मैंने क्लिक किया है और यहाँ श्रिंक टू फिट कर दिया, श्रिंक टू फिट कर दिया तो ये बड़ा हो गया। जैसे मैं इसको बड़ा करूंगा ये बड़ा हो जाएगा, छोटा करूंगा तो ये छोटा हो जाएगा। तो श्रिंक टू फिट का यूज हमें मैंने किया हुआ है। मर्ज, आप एक सेल को मर्ज करके बड़ा कर सकते हैं, या मर्ज अक्रॉस करेंगे तो इस तरह से 1/1 मर्ज बड़ा होगा। हालांकि ये बेसिक चीजें हैं, मोस्टली लोगों को पता होगा, तो मैं इस पर ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, आगे बढ़ता हूँ नंबर फॉर्मेटिंग। तो नंबर फॉर्मेटिंग में जनरली जो फॉर्मेटिंग्स है वो आपको पता होगा कि भाई यहाँ जनरल होता है, नंबर्स होते हैं, ताकि इसमें थाउजेंड सेपरेटर वगैरह डाल से जा सके, करेंसी है आपका, अकाउंटिंग का एक यूज मैं करता था अपने ऑफिशियल लाइफ में, वो चलिए आपको बताता हूँ।
उसके लिए मुझे कुछ डेटा चाहिए, तो वापस मैं रैंड बिटवीन फॉर्मूले का यूज करके कुछ डेटा यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास फिगर है, उस फिगर में कहीं कहीं पे जीरो है, तो जीरो को थोड़ा सा ढूंढना मुश्किल हो जाता था। तो हम क्या करते थे, इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग से कलर करने के बजाय हम इसको यहाँ अलाइनमेंट पे, सॉरी माफ कीजिएगा, नंबर फॉर्मेट पे नन कर देते थे सैंपल को। अडिशनल प्लेसेस भी चाहिए तो रखिए, वरना हटा दीजिए यहाँ से, देन ओके। इस तरह की डैश निकल दिखता है आपको, तो याद रखिएगा इसकी जस्ट विजिबिलिटी डैश हुई है, एक्चुअल में ये जीरो ही है। एक सिंपल सी मेथड यहाँ समझ लीजिए कि आप किसी भी फॉर्मेटिंग, चाहे कंडीशनल हो या कस्टम हो या नॉर्मल फॉर्मेटिंग हो, किसी भी फिगर का विजुअल चेंज कर सकते हैं। ओरिजिनल जैसा है वैसा ही रहेगा, जैसा टाइप किया गया है वही रहेगा, जो फॉर्मूला बार में दिखेगा। इसमें एक चीज और है, टाइम की, डेट की फॉर्मेट है जो कि आप लोग यूज करते थे। डेट की फॉर्मेट में आप अलग अलग कंट्री के हिसाब से फॉर्मेट है देख सकते हैं। टाइम की फॉर्मेट में एक चीज मैं बताना चाहूंगा जो कि मोस्टली लोगों को पता नहीं होता है। मान लो किसी का टाइम आपने यहाँ पे निकाला, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 45 आवर्स 30 मिनट्स और 25 सेकेंड दिखाया, ये आपको दिख रहा है, हमने किसी के ओवर टाइम को हमने निकाला हुआ है। अब इस पे अगर मैंने जनरल फॉर्मेट कर दिया, गलती से हो गया, या पेज रिजल्ट वैल्यू ही कर दिया, तो प्रॉब्लम की होगी, प्रॉब्लम होगी कि जब इस पे टाइम का फॉर्मेट आप अप्लाई करेंगे तो 24 घंटा से ऊपर नहीं जाएगा। वैसे मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, फिर भी आप यहाँ देखिए 21:30 ही दिख रहा है। तो जब आपके पास 24 घंटे से ऊपर का टाइम वैल्यू होगा, तो यहाँ नीचे सबसे जो है आपका 37, 30, 55 ये फॉर्मेट को सिलेक्ट कीजिएगा, तब होगा, नहीं तो फिर मुश्किल है। उसके बाद हम यहाँ इसमें जो मेन है हमारा वो है कस्टम फॉर्मेटिंग, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बाकी तो नॉर्मल फॉर्मेटिंग है, आपको जनरली लोगों को पता होता है, इसमें मैं आपका टाइम नहीं लूंगा ज्यादा। तो क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये चेक नंबर है, तो जनरली चेक नंबर में जीरो होता है, तो जीरो आप यहाँ लेंगे तो जीरो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि सिंगल कोट लेते हैं और फिर जीरो लिखते हैं, या फिर आप अगर 12 डिजिट के 15 डिजिट से ज्यादा नंबर डालते हैं तो वो नंबर इस तरह से दिख जाता है। और यहाँ पे देखेंगे ओरिजिनल कि 15 डिजिट के बाद आपका जितने भी नंबर्स थे वो जीरो में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि एक्सेल 15 डिजिट से नंबर को स्टोर नहीं करता है, क्योंकि हम क्या, हमारी सिस्टम जो है कैलकुलेशन इससे ज्यादा की कैपेसिटी के बाहर है, इसलिए वो जीरो कर देता है। लेकिन मुझे लिखना है, जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर होते हैं ऐसे ही नंबर्स वगैरह होते हैं 18-19 डिजिट के, वो कैसे लिखें, तो सिंगल कोट लगाइए और इस पर लिखना शुरू कर दीजिए, तो ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। टेक्स्ट मतलब कि नॉन कैलकुलेटिव डेटा, जिस पे किसी भी तरह की कैलकुलेशन नहीं की जा सकती। तो यहां भी हमने यही किया कि हमने यहाँ पे सिंगल कोट लगाया और जीरो जीरो कर दिया, तो हो गया। पर प्रॉब्लम क्या है कि पूरे कॉलम में मुझे लिखना है, तो हर बार सिंगल कोट लगाना पड़ेगा, जी नहीं, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ फॉर्मेट सेल पे आएंगे, और फॉर्मेट सेल पे आने के बाद हम यहाँ टेक्स्ट को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब मुझे सिंगल कोट लगाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ लिखेंगे और आपके सामने आता जाएगा। या फिर कोई फॉर्मूला भी अप्लाई करते हैं तो ये फॉर्मूला हमारा परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि टेक्स्ट है, फिर वापस आपको नंबर में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। लेकिन दिक्कत तब होगी जब किसी ने आपको चेक नंबर भेजा और उसने जीरो नहीं लगाया। अब आपको बैंक भेजना है इसकी प्रिंटआउट निकाल के, बट इसमें जीरो होना चाहिए, वरना बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप इस केस में सेलेक्ट कीजिए और कस्टम पे जाइए, और यहाँ आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होता है ना, हाँ 6 डिजिट है, तो 6 जीरो डाल दीजिए, जितने भी डिजिट कम होंगे वो आगे लगा देंगे। इसी तरह से मेरा मोबाइल नंबर है और मोबाइल नंबर में मुझे +91 नहीं लग रहा, +9 लगाता हूं तो इस तरह से पूछता है, क्योंकि प्लस फॉर्मेट स्टार्ट होता है। तो नंबर में आप पहले सिलेक्ट कर लें जहां पे टाइप कर चुके हैं या जहां टाइप करने वाले हैं, कस्टम में जाएं और यहां +91
और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डिजिट का नंबर होता है, 10 जीरो डाल दीजिए, आपके सामने होगा। अब यहाँ पे मैं क्रेडिट कार्ड नंबर डालता हूँ, तो क्रेडिट कार्ड नंबर मेरा इस तरह से होना चाहिए कि 4 डिजिट, हम 8 डिजिट ही लिखते हैं लेकिन वो 16 डिजिट शो करता है इस तरह से। तो मैं 8 डिजिट लिखूं और एक से अपने आप लग जाए, तो इसको आप सिलेक्ट करता हूं मैं, यहां कस्टम फॉर्मेटिंग में जाऊंगा और यहां पे मैं 1 2 3 4 टाइम जीरो डालूंगा और यहां पे एक्स 4 8 एक्स डालूंगा स्पेस के साथ और फिर वापस यहां पे 1 2 3 4 टाइम जीरो डाल दिया वापस। अब मैं यहां लिखता हूं 8 डिजिट ही डाला, एंटर मारते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे इस फॉर्मेट में आपके सामने। इस तरह की कस्टम फॉर्मेटिंग हम लगा सकते हैं। इस तरह की कस्टम फॉर्मेटिंग में आगे क्या होगा ये चीज को देखिए। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मेरे पास यहाँ पे अमाउंट है 1500 लेकिन मुझे शो करना है MRP 1500, कैसे करें? तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि मैनुअली अगर आप लिख देंगे तो दिक्कत क्या होगा, इसके ऊपर अगर 20 ऐड करते हैं या कुछ ऐसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो इस तरह का एरर देगा, क्योंकि हमने पहले बताया कि किसी भी नंबर के साथ अगर टेक्स्ट ऐड है तो उस पर किसी भी तरह की कैलकुलेशन नहीं। तो मुझे 100 इसी तरह करना है बट एक्चुअल में रखना है नंबर, क्योंकि फॉर्मेटिंग से करेंगे तो हमारे ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होंगे, ये भी मैंने थोड़ा देर पहले बताया आपको। तो मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में MRP डाल दिया, उसके बाद हैश या जीरो डाल दीजिए। अब दिख रहा है MRP 1500 और इसके ऊपर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो फिर यह MRP 1560 आया, मैंने 16 ऐड कर दिया, 60 ऐड कर दिया, तो दिक्कत क्या हो गया इसमें कि आपका वैल्यू जैसा वैसा ही दिखेगा बट एक्चुअल में रहेगा 15 लेकिन जैसा चाहते हैं उस तरह से दिखेगा। अब यहां पे मैंने बोला हैश और जीरो, मतलब हैश और जीरो में डिफरेंस क्या है, अब इसको समझ लीजिए, ये जरूरी है। अगर आप इसके ऊपर अगर किसी तरह का टैक्स अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में आप MRP या कोई भी चीज प्रीफिक्स लगा सकते हैं आगे और पीछे लगाने के लिए। तो इसके आगे आप अगर इसके आगे जीरो हैश नहीं लगाएंगे तो सिर्फ यहां पे नंबर दिखेगा MRP, लेकिन मुझे इसके ऊपर जीरो दे दिया, जैसे डबल जीरो दे दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क कब पड़ेगा जब मैं सिंगल डिजिट लिखूंगा तो 05 कर देगा, बट अगर मैं डबल टाइम हैश लगा दूंगा तो ऐसा नहीं होगा। तो यही फर्क है जीरो और हैश में, और इसका यूज भी करते हैं। तो एक लाइव एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं, चलिए मेरे पास एक नेम है, मैं यहाँ पे डालता हूँ, कुछ लिस्ट ऑफ नेम्स डाल देता हूँ और यहाँ पे डेट्स डाल देता हूँ। और रैम बिटवीन की मदद से मैं यहाँ पे जीरो से लेके, अब मेरे बायोमेट्रिक अटेंडेंस का डेटा है, जी हाँ बायोमेट्रिक अटेंडेंस का डेटा है, तो इसमें क्या है, इसमें ये है कि यहाँ पे नंबर्स हैं उस दिन प्रेजेंट है, मतलब कि आप लोग ऑफिस जाते हैं, कुछ लोगों का थंब इंप्रेशन लगता होगा डूर को ओपन करने के लिए, कुछ लोगों के एक एक्सेस कार्ड होगा जिसको पंच करने से आपका डूर ओपन हो जाता होगा जो ऑफिस का डूर है। तो एडमिन ने आपको लिस्ट दिया है कि किस दिन अपने कार्ड को कितना टाइम पंच किया गया है, बहुत सारे लोग अंदर बाहर बाहर आते जाते रहते हैं तो ज़्यादा टाइम पंच किया, कुछ लोग 2-3 बार भी किए, जैसे ये है एक बार आया और एक बार गया। तो यहाँ पे लिस्ट है, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि इसको जो जीरो है इसको मैं एब्सेंट करना चाहता हूँ और जो नंबर है उसको प्रेजेंट करना चाहता हूँ, कैसे होगा, जरूर होगा।
अभी थोड़ा देर मैं बताया पहले कि अगर मैं इसके ऊपर हैश या जीरो ना डालूं तो सिर्फ हमारा नंबर दिखता है, हमारा वो वैल्यू दिखेगा, हमारा नंबर नहीं दिखेगा, सॉरी मैं गलत बोल गया। तो यहां भी उसी मेथड का इस्तेमाल होगा, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल और कस्टम में जाऊंगा और मैं यहां पे इन्वर्टेड कॉमा में पी लिखूंगा, इन्वर्टेड कॉमा में पी लिखूंगा और फिर यहां पे सेमी कोलन दूंगा। क्या होता है कि इसके चार स्टेप होते हैं, पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है निगेटिव, तीसरा होता है जीरो, चौथा होता है टेक्स्ट। तो मुझे यहां पे पॉजिटिव और जीरो चाहिए, तो मैं नेगेटिव के स्थान को ब्लैंक छोड़ देता हूं और यहां पे मैं जीरो के लिए ए कर देता हूं एंड ओके कीजिए। आपके सामने जो जीरो थे वो अब्सेंट हो गए और ये प्रेजेंट हो गया। मैं दोबारा बताता हूं मैंने क्या कोड इसमें लिखा है। कस्टम फॉर्मेटिंग में जाके कस्टम फॉर्मेटिंग के अंदर हमने कोड लिखा है, यहां पर दिखा देता हूं मैं। मैंने यहां पर लिखा है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पी, फिर यहाँ पे सेमी कॉलन, एक सेमी कॉलन, फिर दोबारा सेमी कॉलन, फिर वापस यहाँ पे ए लिख दिया हुआ है। तो पहला सेमी कॉलन से यहाँ सेग्रीगेट होता है, पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तीसरा जीरो होता है और आगे कुछ और देना चाहे तो चौथा टेक्स्ट होता है। तो अगर पॉजिटिव नंबर हुआ उस पर पी आएगा, नेगेटिव नंबर में जो यहाँ आप देंगे वो आएगा, नहीं देंगे तो कुछ नहीं आएगा, और जीरो पे जो यहाँ देंगे सो आएगा और टेक्स्ट पे जो यहाँ देंगे सो आएगा। तो फिलहाल मैंने इतना ही दिया हुआ है। यहाँ पे एक चीज का दिक्कत और है कि इसकी प्रिंट हम कैसे करें। अगर मान लीजिए इसको पेज एक पेज पे प्रिंट करना हो तो कैसे करें। तो यहाँ पे थोड़ी सी पेज की सेटअप को भी समझ लीजिए। तो अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल से हैश कर दिया ताकि पूरा ईयर वाइज डेट आए, फिर इस पर डबल क्लिक किया ताकि ऑटो फिट हो जाए, इसने ऑटो फिट कर दिया। अब इसमें क्या है कि मुझे इसको प्रिंट करना है, वो भी एक पेज। अब मैं यहां फाइल में प्रिंट पे आता हूं और देखता हूं ये आपका लैंडस्केप है, सॉरी पोर्ट्रेट है, तो मैं इसको लैंडस्केप कर देता हूं। यहां से ओरिएंटेशन इसकी थोड़ी सी यहां से मार्जिन, नॉर्मल मार्जिन जो है इसकी जगह पे मैं नैरो कर देता हूं ताकि साइड से मार्जिन कम हो जाए। हो गया, फिर भी हमारा बस 14 तक का ही आया, इससे आगे नहीं आया। तो क्या करें इसके लिए, तो वापस डेटा पे आते हैं। अब मेरे डेटा पे जैसे मैंने देखा, मेरे डेटा पे देखा जो हमारे पी है, मतलब सॉरी जो हमारा डेटा है वो छोटा है बट हेडिंग बड़ा है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, हेडिंग को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ अलाइनमेंट में या फिर यहाँ जो रोटेशन होता है, इस रोटेशन में मैं इसको इस तरह से रोटेट कर देता हूँ और फिर सेलेक्ट करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ। अब मेरा एक पेज पे प्रिंट भी होगा और मेरे हेडिंग भी दिखेंगे। तो आप लोग भी इस मेथड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, कस्टम फॉर्मेटिंग के बाद आती है हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जी हाँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग के लिए मुझे एक डेटा चाहिए होगा। तो यहां मैं डेटा को लेता हूं, डेट भी कर देता हूं। यहां पे मेरे पास एक डेटा आपको दिख रहा है, मुझे इस डेटा को फॉर्मेट करना है। तो फॉर्मेट के लिए तो मैंने अभी बहुत सारी चीजें बताई जिसका इस्तेमाल किए, लेकिन उस फॉर्मेट में कंडीशन नहीं है। जैसे मैंने इस पे अगर कलर कर दिया तो सिस्टम को इससे कोई लेना देना नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या लिखा हुआ है, 79 है, 80 है, कोई नंबर है, क्या लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर तो हमारे पास एक ऑप्शन है, वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हम एरिया को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम यहां कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे तो हमारे साथ कई सारे कैटेगरीज हैं। सबसे पहला हम हाईलाइट सेल्स रूल्स के ऊपर डिस्कस करते हैं।
इसमें क्या है ग्रेटर देन। मैं चाहता हूं कि जो हमारा क्वांटिटी 50 से ऊपर है वो हाईलाइट हो जाए ताकि मैं इजीली देख पाऊं, मुझे आंखों में दिमाग पे जोर देने की जरूरत ना पड़े, कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े। तो मैं हाईलाइट गेट सेल्स रूल्स में जाऊंगा, ग्रेटर देन पे जाऊंगा और यहाँ बाय डिफॉल्ट 50 आ गया, लेकिन जरूरी नहीं कि 50 आए, ये इसका एवरेज लेके चलता है, एवरेज राउंड करता है, एवरेज 50 है इसलिए एवरेज को राउंड करके चला है इसने। आप यहाँ पे जैसे मैं 60 दे देता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे आपके सामने कलर है, फॉर्मेट है, मतलब अगर मैं येलो किया यहाँ येलो हो जाएगा, ग्रीन किया तो ग्रीन हो जाएगा, राइट रेड फिल किया तो आपको हो जाएगा। लेकिन मुझे इन फॉर्मेट में कोई फॉर्मेट पसंद नहीं है तो मैं यहाँ कस्टम फॉर्मेट पे जाऊंगा। जी हाँ, कस्टम फॉर्मेट। कस्टम फॉर्मेट पे जाने के बाद मैं यहाँ पे अपना जो भी फॉर्मेट चाहिए, चाहे नंबर हो, फॉन्ट हो, बॉर्डर हो, कलर हो, उसको सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे मैंने यहाँ कलर को सिलेक्ट कर लिया एंड ओके, एंड वापस ओके कर दिया। आपके सामने हमारा जो ग्रेटर देन 50 है वो कलर हो 60 कलर हो गया। और जब भी मैं चेंज करूंगा, जैसे मैं 40 है यहाँ पे मैंने 65 कर दिया, एंटर मारते कलर इस पर अप्लाई होगा। अब यहाँ 79 है तो मैं यहाँ पे इसको 47 कर देता हूँ तो एंटर मारते कलर हट जाता है। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग सिर्फ कलर अप्लाई होता है और ये चेक करते रहता है कि कंडीशन फुलफिल है तभी कलर देना, जैसे कंडीशन चेंज हुआ ये अपना फॉर्मेटिंग वापस रिमूव कर देता है। तो आइए इसमें देखते हैं और क्या क्या फॉर्मेट है। ग्रेटर देन किसी पर्टिकुलर नंबर डेट को से बड़ा हो उसको हाईलाइट कर सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूं कि 5 अप्रैल के बाद की डेट हाईलाइट हो जाए, या 14 अप्रैल मान लेते हैं क्योंकि सबको इंतजार है 14 अप्रैल का। तो यहां हम ग्रेटर देन लेते हैं और यहां पर 14 अप्रैल डालते हैं। अब यहाँ ईयर डालने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये डेटा सेम ईयर का डेटा है। अगर प्रीवियस ईयर होता 2017-18-19 होता तो आपको यहाँ पे डेट डालते ईयर डालने पड़ते, कंप्लीट डेट डालने पड़ते। और फॉर्मेटिंग तो आप यहाँ से चूज कर ही सकते हैं, जो फॉर्मेटिंग चाहिए वो फॉर्मेटिंग चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर मैं किसी नंबर से छोटा करना चाहूँ तो छोटा कर सकता हूँ, किसी डेट से छोटा करना चाहूँ तो छोटा कर सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ बिटवीन दो नंबर्स के बीच की वैल्यू को हाईलाइट, या दो डेट के बीच की वैल्यू, जैसे मैं 1 अप्रैल से 14 अप्रैल के डेट को हाईलाइट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 1 अप्रैल इस तरह से लिखूंगा और यहाँ पे मैं 14 अप्रैल लिखूंगा, दोनों के डेट हाईलाइट हो गए। उसके अलावा आता है इक्वल। तो यहाँ आप ऊपर तीन चीज लिखे, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इसमें सिर्फ नंबर, डेट एंड टाइम डाल सकते हैं, किसी टेक्स्ट को नहीं कि भाई गुजरात से बड़ा कौन है या देव से बड़ा कौन है, ऐसा नहीं लिख सकते, टेक्स्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। बट इक्वल टू में आप कोई एग्जैक्ट डेट को भी हाईलाइट कर सकते हैं, किसी एग्जैक्ट नंबर को हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ से, या किसी एग्जैक्ट टेक्स्ट को जैसे कि नेम उसको हाईलाइट कर सकते हैं, वही आपका हाईलाइट होगा। लेकिन दिक्कत क्या है, जैसे मान लीजिए पूजा की बात करें, यहां पे हमारे सामने पूजा सिंह है, पूजा सिंह है, तो अगर मैंने इक्वल टू में गया और यहां पे सिर्फ पूजा को हाईलाइट किया, मैं सिर्फ पूजा को हाईलाइट किया तो पूजा सिंह हाईलाइट नहीं होंगे। जी हाँ, यहाँ पे आपने देखा पूजा सिंह हाईलाइट नहीं हुआ, इसका रीजन क्या था? क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू को हाईलाइट करता है, मैं चाहता हूं कि मेरे हिसाब से हाईलाइट करे, मतलब कि मिलता जुलता भी हाईलाइट करे, तो उसके लिए यहाँ टेक्स्ट दैट कंटेन का ऑप्शन होता है, टेक्स्ट दैट कंटेन। तो टेक्स्ट दैट कंटेन क्या करता है, टेक्स्ट कंटेन करता है कि मिलता जुलता वर्ड को भी हाईलाइट कर लेता है। जैसे मैंने यहाँ पे पूजा दिया तो पूजा को भी हाईलाइट कर लिया, पूजा सिंह को भी हाईलाइट कर लिया।
अब यहाँ पे एक डेट ऑफरिंग है, मतलब कि मुझे डेट अगर मान लीजिए आपने हाईलाइट कर लिया, इसमें एक पर्टिकुलर डेट को हाईलाइट करता है, जैसे ग्रेटर देन में लें या लेस देन में लें या फिर आप इक्वल में लें, बिटवीन में लें, तो एक फिक्स डेट होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे सिस्टम डेट, जैसा कि आज की डेट हाईलाइट हो, या पिछले वीक का, पिछले मंथ का, पिछले क्वार्टर का, तो उसके लिए हम डेट ऑफरिंग पे जाते हैं। डेट ऑफरिंग पे यहाँ हम सेलेक्ट करते हैं टुडे, तो आज की डेट हाईलाइट हो जाएगी। मैं सेलेक्ट करूँगा टुमोरो, तो कल की डेट, मैं किया इन द लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, तो इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा और सिस्टम डेट के साथ एक कनेक्टेड होगा। अच्छा टुडे कर दी तो आज 8 अप्रैल है, तो आज 8 अप्रैल की डेटा हाईलाइट कर रहा है, और जैसे ही एक कल की डेट में मैं फाइल ओपन करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली कल की डेट का हाईलाइट चेंज कर देगा। तो एक सिस्टम डेट से कनेक्टेड होता है। उसके बाद अगले टॉपिक आती है डुप्लीकेट वैल्यू, मतलब कि किसी पर्टिकुलर रेंज में कोई नंबर मोर देन वन टाइम है तो यहां आप डुप्लीकेट वैल्यू में जाएं और हाईलाइट कर दें, तो जैसे नंबर डबल होगा या टेक्स्ट डबल होगा वो दोनों को हाईलाइट, या तीन होगा तो तीनों को हाईलाइट कर दें। तो किसी कॉलम में मोर देन वन टाइम वैल्यू लिखा है, इसको देखने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है डुप्लीकेट वैल्यू। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, तो हमने यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल, टेक्स्ट कंटेन, डेट ऑफरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यू को देख लिया। अब बात करते हैं टॉप बॉटम रूल्स की, मतलब कि मुझे अपने टॉप 10 एमआरपी चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे टॉप 10 को सेलेक्ट करूँगा। अगर टॉप 10 की जगह अगर टॉप 100 चाहिए तो 100 भी सिलेक्ट हो जाएगा, जो हाइएस्ट होगा वैल्यू के हिसाब से। जैसे कि अगर मैं कुछ नंबर यहाँ पे सीक्वेंस लिखता हूँ, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं टॉप 10 में टॉप 3 को हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो यहाँ आपके सामने मैं 3 करूँगा, देखेंगे सबसे हाईएस्ट जो 3 है उसको हाईलाइट करूँगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे बॉटम करूँगा तो बॉटम को हाईलाइट करूँगा, एवरेज जैसे मान लीजिए हमारा एवरेज एमआरपी 50 है, मतलब कि एवरेज से ऊपर हो, तो मैं मैन्युअली ग्रेटर देन 50 नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है बाद में मैं नंबर चेंज हो तो एवरेज चेंज हो जाएगा। तो यहां तो बटन में आपके सामने अबव एवरेज है, जो एवरेज से बड़ा होगा उसको हाईलाइट कर देगा, और दूसरा यहां आपके सामने बिलो एवरेज है, जो एवरेज से बिलो होगा उसको एवरेज एंड बिलो एवरेज का यूज आप कर सकते हैं। उसके बाद डेटा बार आती है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे इस डेटा में कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, इसकी कंपेयरिंग कैसे किया जाए, क्योंकि इस पे चार्ट तो नहीं लग सकता, तो डेटा बार आपको एक बार बना के यहाँ दे देगा, जो जितना बड़ा होगा उसका बार उतना ही बड़ा होगा। मतलब कि अगर मैं इसको छोटे डेटा पे दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि जैसे जैसे हमारा नंबर बढ़ रहा है उस तरह से हमारा बार भी बढ़ रहा है। उस तरह से हमारे पास कलर स्केल होता है, तो कलर स्केल भी कलर की तरह ही होता है कि जैसे बड़ा होगा कलर आपका, जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लिया तो रेड टू ग्रीन होता जाएगा, नंबर बढ़ते जाएगा रेड टू ग्रीन होता जाएगा, हालांकि इसका यूज बहुत कम होता है। उसके बाद इसमें आता है आइकन, तो अगर आपको एकदम स्पष्ट दिखाना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है तो आइकन नाम दिखा सकते हैं, या फिर एक चाम और हो सकता है, जैसे यहाँ पे क्वार्टर 1 है और यहाँ पे क्वार्टर 2 है, अब
अब क्वार्टर वन में सेल ज़्यादा है, क्वार्टर टू में सेल ज़्यादा है, इसकी कंपेयरिंग के लिए यहाँ इसका डिफरेंस देने की जरूरत नहीं है। आप इसके ऊपर जाए और आइकन अप्लाई कर, ऑटोमेटिक आपका ऊपर नीचे आ जाएगा इस तरह का एरो और चेंज होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं 52 को यहाँ पे मैं 75 करता हूँ तो ऑटोमेटिक शेयर हो जाता है। इसका यूज आप कर सकते हैं। एक तो रही कंडीशनल ऑटोमेटिक की, जो ऊपर जो मेस्ट मोस्ट यूजेड चीज़ें उनकी बात, बट इसमें आप फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे पहले मैं पूरी सीट की कंडीशनल ऑटोमेटिक रिमूव करना चाहता हूँ तो कंडीशनल ऑटोमेटिक में आऊँगा, यहाँ क्लियर रूल्स दिखेंगे। इस क्लियर रूल्स में क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल को सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्टेड का होगा। अगर मैं एंटायर शीट सिलेक्ट कर लूँ तो पूरी की पूरी शीट का कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगा। अब मुझे कैलकुलेशन करना है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी है और एमआरपी है, इसकी अमाउंट नहीं है। मतलब कि क्वांटिटी में 16 प्रोडक्ट 43 के हिसाब से बिका है तो रिजल्ट हमारा 688 आया। इस तरह से कैलकुलेशन इसमें नहीं है। अब मुझे क्या करना है कि जो नंबर 2000 से ऊपर है उसकी पूरी डेटा हाईलाइट करना चाहता हूँ। जी हाँ, पूरी डेटा को हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मुझे फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग के न्यू रूल्स पे आऊँगा, यूज फॉर्मूला। यहाँ पे अब सिंगल सिलेक्शन याद रखिएगा, जब बाकी जो फीचर्स आप अप्लाई किए थे उसके लिए आप पूरी कॉलम को सिलेक्ट किए थे या डेटा को सिलेक्ट किए थे, बट फॉर्मूला जब भी इस्तेमाल करेंगे तो हम सिंगल सेल सिलेक्ट करेंगे। तो न्यू रूल्स पे आते हैं, यूज फॉर्मूला, और यहाँ पे हम देते हैं क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी और इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, या हम ब्रैकेट में ले लीजिए, या ग्रेटर दैन 2000, तो 2000 से बड़े हैं तो इस पर फॉर्मेटिंग, यहाँ फॉर्मेट सप्लाई होगा। आप फॉर्मेटिंग को चूज कर लीजिए। अब मुझे यहाँ पे 2 के आगे का जो डॉलर साइन है इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि डॉलर फ्रीज कर देता है। जब नीचे ड्रैग करूँगा तो 2, 3, 4, 5 ऐसे चेंज नहीं होगा। एंड लेकिन कॉलम का आगे छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे इसको भी करना है ना, तो कॉलम फिक्स करना है। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया और फॉर्मेट पेंटर, यहाँ फॉर्मेट पेंटर दिख रहा है, इससे हम कि इसकी जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है इसको हमने पूरे डेटा पे फॉर्मेट कर दिया। तो जहाँ जहाँ मोर देन 2000 है उसका पूरा कलर हाईलाइट। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप फॉर्मूले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ कि मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर देता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि मैं 1 लिखा और वापस में यहाँ 1 लिखा तो डुप्लीकेट वैल्यू हमने यहाँ पे दिखाया था डुप्लीकेट, तो दोनों हाईलाइट कर देता है। मुझे सिर्फ एक हाईलाइट करना है, मतलब ऊपर वाले नहीं सिर्फ नीचे वाले को हाईलाइट करना है। तो कैसे करें, तो इसके लिए हमें एक पहले फॉर्मूला समझना होगा। हमारे पास एक काउंट इफ का फॉर्मूला होता है जो किसी पर्टिकुलर वैल्यू को एक एरिया में जैसे कॉलम में एक काउंट भी बताता है कि कितने नंबर ऑफ डेटा है। अब मैं इसको कॉपी करके नीचे की तरफ पेस्ट करूंगा तो यहाँ पे दोनों पे 2 दिख रहे हैं, लेकिन इसको अगर थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर दें, मतलब कि मैं यहाँ पे काउंट इफ लगाऊं, काउंट इफ लगाऊं और इसको सिलेक्ट करूं और हम इस फॉर्मेट को सिलेक्ट करेंगे, फिर नीचे ड्रैग करने से पहले वाले A2 को फ्रीज कर देंगे और फिर नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा 1 आया और नीचे हमारा 2 आया। अब इसी कंडीशन को हम यहाँ इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लीजिए या आप डायरेक्ट वहां लगा सकते हैं। हम यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के न्यू रूल्स के यूज फॉर्मूला में दिखाते हैं, बोलते हैं कि इसका रिजल्ट जो है वो ग्रेटर देन 1 और फिर इसको हमने यहां से फॉर्मेट पेंटर से नीचे की तरफ पेंट कर दिया। तब एक ही हाईलाइट हुआ, अगर तीसरा करूंगा तो पहला हमेशा मेरा हाईलाइट नहीं होगा।
अभी उसके बाद फिर आप सब लोग चले। ठीक है गाइस, सब लोग म्यूट कर लो ताकि फिर अच्छे से आवाज आए। तो यहाँ पे हमने वन और वन यहाँ दे दिया, दोनों वन हाईलाइट हुआ, तीसरा नंबर तीसरा होगा। तो ऐसे दो जो नंबर फर्स्ट टाइम होगा वो हाईलाइट नहीं होगा, जबकि जैसे रिपीट होगा वो जो रिपीटेड है वो हाईलाइट होगा, बाकी डेटा मेरा हाईलाइट नहीं होगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप इसी तरह से फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद अगला टॉपिक जो है हमारा वो है प्रोटेक्शन, कि एक सीट को कैसे आप प्रोटेक्ट कर सके, जैसे कि हम चाहते हैं इसमें से कोई डेटा हाईलाइट ना कर सके। तो यहां हम राइट क्लिक करते हैं, प्रोटेक्ट सीट पे जाते हैं। तो प्रोटेक्ट सीट पे आने के बाद यहां हम पासवर्ड डालते हैं, पासवर्ड को कंफर्म करते हैं। पासवर्ड को कंफर्म करने से पहले आप देख लीजिए यहां पे एक इंफॉर्मेशन है, इफ यू लॉस्ट एंड फॉरगेट द पासवर्ड कैन नॉट बी रिकवर्ड। तो एक्सेल के सीट में फाइल डालते हैं, फाइल में पासवर्ड या सीट में पासवर्ड डालते हैं तो आपकी पासवर्ड को रिकवर नहीं किया जाएगा या नहीं हो सकता, इसका ध्यान आप लोग रखेंगे। पासवर्ड डालते समय आप ऐसे ही पासवर्ड को डालें जो हमेशा आपको याद रहे। अब ऐसा नहीं कि पासवर्ड नहीं हट सकता है, पासवर्ड हट सकता है, लेकिन उसके लिए गूगल बहुत पे जाकर सर्च करेंगे तो बहुत सारे माइक्रोज या एप्स मिलेंगे, लेकिन सब पासवर्ड हटा दे इसकी 100% गारंटी नहीं है। अगर पासवर्ड में आपने कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड रखा है, जैसे कि अल्फाबेटिक, न्यूमेरिक, मिक्स, स्पेशल करेक्टर, अपर लोअर, तो उसको काफी दिक्कत होगी या नहीं भी हो सकता है क्रैक। तो ये पासवर्ड को डाला, ओके किया। अब मैं अपने डेटा को कहीं भी किसी भी तरह का चेंजिंग करूंगा तो मुझसे पूछेगा, मुझे अलर्ट अलर्ट देगा, और अनप्रोटेक्ट करने के लिए पासवर्ड तो पूछेगा ही। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हम डेटा को कॉपी तो नहीं कर सकते, सॉरी एडिट तो नहीं कर सकते, बट कॉपी कर सकते हैं। मैं चाहता हूं मेरा डेटा को कॉपी भी ना कर सके। अब डेटा को कॉपी डिसेबल करने का ऑप्शन एक्सेल में नहीं होता है, लेकिन कॉपी करने की जरूरत क्या पड़ती है, सिलेक्शन की। तो जब आप पासवर्ड डालते हैं तो यहां एक चीज देखिए क्या है, लॉक्ड एंड अनलॉक्ड, अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू, मतलब ये सारी फीचर्स हैं जो कि पासवर्ड डालने के बाद यूज किए जा सकते हैं। जैसे कि मैंने फॉर्मेट सेल पे क्लिक कर दिया तो पासवर्ड डालने के बाद मैं किसी भी तरह की चीजें चेंजिंग तो नहीं कर सकता हूं, बट इसके ऊपर अपनी कलर अप्लाई कर सकता हूं। तो ये चीज यहां पे दी गई है। तो मैंने क्या किया कि पासवर्ड डालते समय प्रोटेक्ट सीट को लिया और यहां से हम सेलेक्ट का जो ऑप्शन है, सेलेक्ट लॉक सेल एंड अनलॉक सेल। लॉक अनलॉक क्या होता है ये हम थोड़ी देर बाद में पढ़ते हैं, बट ये सेलेक्ट का जो ऑप्शन है ये हटा दिया हमने। अब मैं कहीं पे क्लिक ही नहीं कर पाऊंगा तो चेंजिंग कॉपी कहां से कर पाऊंगा। तो पासवर्ड डालते समय आप सिलेक्शन की परमिशंस को डिसेबल कर दीजिए तो कोई भी आपको डेटा को सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। जब डेटा सिलेक्ट नहीं कर पाएगा तो कॉपी करने का तो सवाल ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब मुझे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया, मतलब कि इस एरिया को प्रोटेक्शन से बाहर रखना है, मतलब कि मैं इस पे चेंजिंग कर सकूं, तो उस केस में क्या करेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि हर सेल का लॉक्ड अनलॉक्ड क्या होता है। तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाते हैं तो यहां आपको प्रोटेक्शन टैब में लॉक्ड पे क्लिक होता है। तो जिस भी सेल के लॉक्ड पे क्लिक होता है वो आपका लॉक्ड सेल होता है, मतलब कि प्रोटेक्शन को वो सपोर्ट कर रहा है। अनचेक कर दीजिए तो प्रोटेक्शन को सपोर्ट नहीं करेगा। तो मैंने क्या किया कि इस एरिया का फॉर्मेट सेल में
प्रोटेक्शन के लॉक को अनचेक कर दिया, देन ओके किया। अब मैं इस पे पासवर्ड डालूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक सेल। तो क्या होगा कि मैं यहां कुछ टाइप नहीं कर सकता, बट यहां तो टाइप कर सकता हूं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मैं छोटा सा डेटा तैयार करता हूं, जैसे कि नेम, क्वांटिटी, एमआरपी, अमाउंट, जीएसटी, है कि मेरा अमाउंट जो है क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी है, आपकी जो जीएसटी है वो अमाउंट का 2% है, और हमारा जो कमीशन है वो कमीशन अमाउंट का नहीं, जीएसटी 2% नहीं, मैं 18% कर देता हूं, कमीशन 2% रखता हूं, कमीशन 2%। और फिर इसका हमने टोटल सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम नीचे इसको नीचे तक कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। जी हाँ, नीचे तक कॉपी करके हमने पेस्ट कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं टाइप करता हूं, हम यहां पे पूजा लिखा और यहां पे क्वांटिटी दिया, एमआरपी दिया, तो क्या हुआ, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। जी हाँ, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। अब क्या हुआ कि मुझे सिटी, या जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया पुणे, और जोन दे दिया साउथ, तो क्या हुआ कि जब मैं टाइप करने के लिए मुझे इतने सारे चेंज करने पड़े, मतलब कि मैं यहां से फिर चार सेल्स बाद आऊंगा, फिर इस पे मैं टाइप करूंगा, मुझे इस, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगा है तो इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, तो मैं चाहता हूं मैं कर्सर डायरेक्ट यहां से यहां जंप हो जाए। तो मैं सीट को सिलेक्ट करूंगा, सबसे पहले राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट सेल में जाऊंगा, इसको अनलॉक कर दूंगा, फिर जितना एरिया चाहिए उतने एरिया को सिलेक्ट करूंगा, फॉर्मेट सेल में जाऊंगा और वापस, नहीं गलत था, पूरे सीट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गए और इसको अनलॉक किया, और फिर जो कैलकुलेटिव एरिया है उस पर आए फॉर्मेट सेल पे, और वापस हमने इसको लॉक्ड कर दिया। तो अभी क्या हुआ कि ये प्रोटेक्शन को सपोर्ट करता है, बाकी एरिया प्रोटेक्शन को सपोर्ट नहीं करता है। तो पासवर्ड डालते समय हमने क्या किया, यहां पे लॉक्ड अनलॉक्ड में लॉक्ड को अनचेक कर दिया। अभी क्या हुआ कि अनलॉक्ड सेल में जहां पे टाइप कर सकता हूं उसी को सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे देखिए एक ध्यान डालता हूँ, मैं यहाँ पे नीरज लिखा, अमाउंट दिया, और जैसे टैब मारूंगा अभी मैं, या एंटर प्रेस करूंगा, मेरा कर्सर सीधे यहाँ सिटी पे जंप करेगा। तो मतलब कि अब मैं इसके बीच को सिलेक्ट नहीं कर सकता है, तो फॉर्मूला भी नहीं देख पाऊंगा। हालांकि ऐसे फॉर्मूला को रिमूव करने का कुछ और ऑप्शन होता है, कि जैसे हमने इसके ऊपर कुछ लिखा, अब मुझे इसके ऊपर जो फॉर्मूला है उसको डिसेबल करना है, ये नहीं दिखना चाहिए। तो सबसे पहले राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट सेल में जाऊंगा और इसकी लॉक के नीचे हिडन होता है, हिडन पे क्लिक कर देता हूं, फिर यहां पे प्रोटेक्ट शीट पे आता हूं और पासवर्ड अप्लाई कर देता हूं। अब देखिए इसके ऊपर जो है कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन इस पे जाएंगे तो इसके ऊपर आपको दिखेगा, तो फॉर्मूला हिडन कर दिया। अब अगर मैं बात करूं कि मुझे अलग अलग फील्ड के अलग अलग एरिया के अलग अलग पासवर्ड चाहिए, मतलब मैं एक ही सीट में दो तरह का पासवर्ड रखना चाहता हूं, जैसे एग्जांपल कि दो एरिया है, ए मेरा मिस्टर ए का एरिया है, ए मेरा मिस्टर बी का एरिया है, मैं चाहता हूं कि मिस्टर ए मिस्टर बी के पे चीजों पे छेड़छाड़ ना कर सके और मिस्टर बी मिस्टर ए के ऊपर छेड़छाड़ ना कर सके, तो क्या करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करके हैं, राइट क्लिक नहीं करना पड़ेगा, सिंपल हमें जाना पड़ेगा रिव्यू टैब में। जी हाँ, रिव्यू टैब में जाइए, डेटा के बाद रिव्यू होता है,
उसमें यहाँ दिखेगा अलाउ एडिट रेंज, इस पे क्लिक कीजिए, न्यू पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक पासवर्ड डाल दीजिए, पासवर्ड को कंफर्म कीजिए एंड ओके कीजिए। फिर वापस दूसरे रेंज के न्यू पे क्लिक कीजिए और यहाँ रेंज को चेंज कर लीजिए और यहाँ पे दूसरा पासवर्ड डाल दीजिए, ओके कीजिए, पासवर्ड को कंफर्म कीजिए एंड ओके, अप्लाई एंड ओके। अब जो है दोनों को अलग अलग पासवर्ड मिला हुआ है, लेकिन ये वर्क कब करेगा, जब हम सीट को प्रोटेक्ट करेंगे। जी हाँ, सीट को। तो यहाँ प्रोटेक्ट सीट पे जाते हैं और यहाँ पे हम पासवर्ड अप्लाई कर देते हैं। अब क्या हुआ कि मैं कहीं और काम नहीं कर सकता, बट जैसे ही इस पे काम करने जाऊंगा मुझसे यहाँ से पासवर्ड पूछेगा। मैं पासवर्ड डाल दिया तो मैं इस एरिया में काम कर सकता हूँ, कब तक, जब तक कि मैं फाइल को वापस रीओपन नहीं कर लेता। बट यहां चेंज करूंगा तो मुझे यहां का पासवर्ड मांगेगा। तो अलग अलग पासवर्ड डालने की फैसिलिटी है। अब मुझे फाइल की ओपनिंग पासवर्ड डालनी है कि फाइल को कोई ओपन करने से पहले पासवर्ड मांगे, तो ब्राउज जो सेव करते समय यहां टूल्स में जनरल ऑप्शन होता है, इसमें आप पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई डाल सकते हैं। रीड ओनली कमेंट कर देंगे, जिसके पास मॉडिफाई पासवर्ड नहीं होगा वो रीड ओनली में इस फाइल को ओपन कर सकता है। चलिए वापस चलते हैं। लेकिन फाइल को बिना सेव एज किए, क्योंकि मैं फाइल को सेव करूंगा तो मेरा फाइल का नाम और लोकेशन चेंज होगा, तो उससे रिलेटेड लिंक भी चेंज हो जाएंगे, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहां इन्फो के अंदर आपको प्रोटेक्ट वर्कबुक में क्लिक कीजिएगा तो ड्रॉप डाउन में आपको यहां दिखेगा एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, और इस पे आप अपना पासवर्ड अप्लाई कर दीजिए। तो ये आपकी ओपनिंग पासवर्ड होगी बिना फाइल को सेव एज किए। अब लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं उसको सीट डिलीट ना कर सके, तो यहां प्रोटेक्ट वर्कबुक होता है, इसको प्रोटेक्ट कर दीजिएगा तो आपका कोई भी सीट डिलीट नहीं कर पाएगा। जी हाँ, कोई भी सीट डिलीट नहीं कर पाएगा। वापस अनप्रोटेक्ट कीजिए। हाँ, तो प्रोटेक्शन का टैब के बाद हम बात करते हैं डेटा फिल का। जी हाँ, डेटा फिल एक अच्छा ऑप्शन है। एक बार हम फ्लैश फिल के बारे में बात कर लेते हैं। उसके लिए मुझे एक छोटा सा डेटा बनाना पड़ेगा नेम का। छोटा डेटा है मान लीजिए, और मुझे इसके फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को अलग करना है। तो इसके लिए सिंपल है कि मैं यहां पे एक नाम लिखूं, लिखने के बाद एंटर प्रेस करूं और यहां फिल के अंदर में फ्लैश फिल होता है जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल ई, इस पे क्लिक करें तो बाकी पूरे कॉलम का डेटा आ जाएगा अपने आप। ऐसे लास्ट नेम लिखें, एंटर मारें और फिर यहां पे फ्लैश फिल करें, अपने आप पूरा डेटा आ जाएगा। ऐसे डेट है, मुझे इसमें से मंथ को अलग करना है, मुझे इसमें से मंथ को अलग करना है, तो मैं यहां पे पहला मंथ डालूंगा, एंटर मारूंगा और यहां फ्लैश फिल से इसको स्ट्रैक कर। तो आप यहां पे किसी भी तरह के, यहां पे किसी भी तरह के डेट को स्ट्रैक कर सकते हैं, टाइम को स्ट्रैक कर सकते हैं, नंबर स्ट्रैक कर, बस उस लिखिए, पार्ट को लिखिए और फ्लैश फिल कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली उसको अलग कर देगा। अब बात करते हैं अगली टॉपिक सॉर्टिंग की। फ्लैश फिल के बाद हम बात करेंगे सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो डेटा को आपको अपने हिसाब से एक पर्टिकुलर रेंज पे, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे सॉर्ट करने के लिए हम सॉर्टिंग का यूज करते हैं। जैसे कि आप अगर रिजल्ट देखने जाते हैं तो रोल नंबर अगर सीक्वेंस है तो आपको ढूंढने में सही होता है, लेकिन रोल नंबर अनसिक्वेंस है
तो नाम के अल्फाबेट्स आप इजीली उसको ढूंढ सकते हैं। दोबारा ओपन किया हूँ फाइल। अब मुझे इसको मान लीजिए मेरा अगर डेटा आपके सामने दिख रहा है कि काफी बड़ा है, छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। मुझे इसमें शॉर्ट करना है, तो अगर डेटा शॉर्ट करनी है तो पहले चीज देख लीजिए कि कोई ब्लैंक रो तो नहीं है। अगर पूरी की पूरी रो ब्लैंक होगी तो शॉर्ट करने में दिक्कत होगा, मतलब कि पहले डेटा को सिलेक्ट करके फिर शॉर्ट करना होगा। अगर पूरी की पूरी रो ब्लैंक नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे शॉर्ट करना है मान लीजिए क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, तो मैं सिंपल क्वांटिटी के ऊपर जाऊंगा और कर्सर को रखूंगा, और कर्सर को रखने के बाद मैं यहां शॉर्ट में ए टू जेड करूंगा तो मेरा डेटा शॉर्ट हो जाएगा, और शॉर्ट होगा तो पूरा डेटा शॉर्ट होगा, मतलब कि 10 आएगा सिर्फ 10 नहीं आएगा, पूरा का पूरा रो लेके आता है। लेकिन मुझे अब यहां पे मान लीजिए नेम बाय शॉर्ट करनी है, तो मैंने यहां पे नेम को लिया और शॉर्ट टू जेड, नेम बाय शॉर्ट होगी। लेकिन मुझे शॉर्ट करना नेम और क्वांटिटी दोनों के हिसाब से शॉर्ट करना है, दो बे के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना, तो यहां मैं शॉर्ट में कस्टम शॉर्ट में आऊंगा और यहां नेम ले लिया ए टू जेड, फिर एड लेबल करूंगा, मैं यहां पे क्वांटिटी को ले लेता हूं और फिर इसको शॉर्ट कर देता हूं, तो यहां नेम और क्वांटिटी दोनों शॉर्ट होगा। और ये लोग मोस्टली आप लोग शॉर्ट इस्तेमाल करते भी होंगे, बट इसमें कुछ ट्रिक्स हैं उसको जान लीजिए। जैसे कि मैंने यहां पे मंथ दिया हुआ है, मुझे इसमें से शॉर्ट करना है मंथली, तो अगर मैंने जैन फेब के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर दिया तो क्या होगा, ये पहले अप्रैल आएगा फिर अगस्त आएगा, क्योंकि ये अल्फाबेटिक को शॉर्ट करेगा। बट मुझे जो शॉर्ट करना है वो शॉर्ट करना है कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हम कस्टम शॉर्ट में जाएंगे और जहाँ ए टू जेड ऑर्डर होता है उसके जगह पे मैं कस्टम लिस्ट पे आऊंगा, और कस्टम लिस्ट पे हमारे पास यहां जैन फाइव का लिस्ट हमने सिलेक्ट किया एंड ओके किया एंड ओके कर दिया, अब जैन फाइव का अकॉर्डिंग होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे मुझे अप्रैल टू मार्च चाहिए फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग, तो भी आप शॉर्ट कर सकते हैं, कस्टम शॉर्ट पे जाएं और यहां कस्टम लिस्ट में आप अपनी लिस्ट तैयार कर सकते हैं न्यू लिस्ट में, यहां से अप्रैल जून अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी एंड मार्च, और इसको ऐड कर दीजिए एंड ओके एंड ओके, आपके सामने रिजल्ट दिख रहा है। तो इसी तरह से आप अपने किसी नेम वगैरह का भी लिस्ट तैयार कर सकते हैं। इसमें कुछ ट्रिक्स के बारे में बात कर लें, जैसे कि मुझे हर एक रो के बाद एक ब्लैंक रो ऐड करना है, कैसे करें, तो इसके लिए भी हम शॉर्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहां पे सीरियल नंबर डालता हूं 1 2, एक सीक्वेंस नंबर हमने यहां पे एंटर कर दिया, फिर वापस मैं इसको कॉपी करता हूं और इसके नीचे जाके इस पर पेस्ट कर देता हूं। जी हाँ, हम वापस कॉपी किए और इसके नीचे पेस्ट कर दिए। अब हुआ क्या कि ये हमारा वन जो है ब्लैंक है और नीचे यहां पे वन है, तो ये ब्लैंक, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, ये हमारा डेटा है वन और नीचे का डेटा वन जो है हमारा ये ब्लैंक है। जब मैं सीरियल नंबर अकॉर्डिंग सॉर्ट करूंगा तो ये पूरा का पूरा डेटा उठ के इसके नीचे इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि जब भी सॉर्ट होती है सिंगल डेटा नहीं पूरा रो आता है, एक डेटा रहेगा और एक ब्लैंक रहेगा। इस तरह से हम इसको शॉर्ट करते समय और कस्टम शॉर्ट करते समय मैं यहां पे
ए टू जेड लेता हूँ, मंथ के जगह पे सीरियल नंबर, एंड ओके कर देता हूँ। तो एक डेटा, एक रो ब्लैंक आ गया। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब सॉर्ट हो गया। अब मान लीजिए मुझे सारे ब्लैंक को डिलीट करना है, तो बहुत सारे लोग इसको फिल्टर लगा के डिलीट करते हैं। फिल्टर लगा के डिलीट करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो फिल्टर लगा के डिलीट करने से बैकएंड का डेटा डिलीट होने के चांसेस होता है, और साथ में दिक्कत होती है इसकी, क्या बोलते हैं, जब वो डिलीट होता है तो काफी टाइम लेता है अगर आपके पास लार्ज डेटा है। तो यहां पे हम शॉर्ट में आते हैं और किसी एक के अकॉर्डिंग, से मैं नेम है, सिटी है, मैं सिटी के अकॉर्डिंग ही शॉर्ट कर देता हूं। तो इससे क्या होता है कि जितने भी ब्लैंक थे वो नीचे चले गए। जी हाँ, जितने भी ब्लैंक थे वो नीचे चले गए। तो इसका बेनिफिट हम ले सकते हैं। अब सॉर्टिंग के बाद अगला ऑप्शन आता है फिल्टर। फिल्टर मतलब कि मुझे इस डेटा में से किसी पर्टिकुलर डेटा को ही देखना है, बाकी को हाइड रखना है, तो फिल्टर लगा सकते हैं। तो फिल्टर में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे फिल्टर दिखेगा, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट एल। जी हाँ, कंट्रोल शिफ्ट एल होता है शॉर्टकट। कंट्रोल शिफ्ट एल होता है। अब मुझे मान लीजिए कि इसमें से कोई पर्टिकुलर मंथ का करना है, तो मैं क्लिक करूंगा और सिलेक्ट ऑल को अनचेक कर दूंगा। जो मंथ चाहिए, एक या एक से ज्यादा, उसके चेकबॉक्स पे क्लिक करके ओके कर दूंगा। तो मुझे अब वही डेटा शो दिखेगा, बाकी डेटा हमारा हाइड हो गया। और फिल्टर लगा है, उसके दो निशानी है, एक तो है यहां पर जो दिख रहा है फिल्टर का निशान, दूसरा आपके रो नंबर का कलर ग्रे से ब्लू हो जाता है। एक साथ भी हम कई कॉलम पे फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे नेम में नीरज का डेटा चाहिए और मंथ मान लीजिए मुझे मई का चाहिए, तो मैं यहां नीरज पे, यहां पे जाऊंगा और नीरज को सिलेक्ट करूंगा और मंथ में मैं यहां मई का डेटा सिलेक्ट करूंगा। अच्छा, इसमें मई नहीं है, मार्च मई यहाँ पे है ही नहीं, या अगस्त चाहिए तो अगस्त, या अगस्त और फैब चाहिए, सिलेक्ट किया। इस तरह से भी शॉर्ट कर सकते हैं। ये तो हमारा मैनुअल हुआ। अब बात करते हैं कस्टम फिल्टर की। जी हाँ, जैसे कि आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के और कुछ डुप्लीकेट को हाइड कर लिया, ये कर लिया, हाईलाइट कर लिया, या फिर मैनुअल कलर लगाया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे कलर बाई फिल्टर बाय कलर चाहिए। जी हाँ, फिल्टर बाय कलर चाहिए। तो फिल्टर बाय कलर कैसे करेंगे हम? तो यहां हम आएंगे और फिल्टर बाय कलर पे जाएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, तो हमारा कलर जो है वो फिल्टर हो जाएगा। तो इस तरह से फिल्टर बाय कलर भी कर सकते हैं। मैं यहां से क्लियर करता हूं। उसके बाद आप किसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे नंबर पे अब आपके सामने है इक्वल टू पर्टिकुलर नंबर, डज नॉट इक्वल, उसके अलावा सारा, ग्रेटर देन, जिसमें से ग्रेटर देन 50 करना है, तो हमारा 50 से ऊपर वाला जो है फिल्टर हो जाएगा। उसके अलावा मैं अगर यहाँ पे टॉप 10 करना चाहूँ तो ये हमारा टॉप 10 जो है फिल्टर हो जाएगा। मुझे एवरेज से ऊपर चाहिए तो एवरेज से ऊपर, जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो चीज़ें देखी है उसके बिहाफ पे सारे आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं। ऐसी डेट है तो डेट में आपके सामने टेक्स्ट फिल्टर है, इक्वल डज नॉट इक्वल बिगेन विद, मुझे पूरा नाम पता नहीं है, पूजा है, पूजा सिंह है, पता नहीं, या नीरज है, तो मैंने मान लीजिए कोई इनिशियल डाल दिया एंड ओके किया, तो आपका हाईलाइट हो गया फिल्टर हो गया। तो हमने बिगेन विथ में किया कि इसका नाम का स्टार्टिंग में एन डबल डी होगा, या फिर आप चाहते एंड विथ, तो इसी में आपके सामने एंड विथ होता है कि मुझे जो नाम ए से क्लोज होता है वो दिखा दो। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। कंटेन मान लीजिए कि किसी नाम पूजा हो या पूजा सिंह हो,
हमारा जो है फिल्टर कर दें, तो पूजा और पूजा सिंह दोनों को फिल्टर कर दिया, ये चीज़ें आप टेक्स्ट फिल्टर में कर सकते हैं। अब डेट की फिल्टर की बात करते हैं। जब डेट के फिल्टर करेंगे तो इस तरह से आपका ईयरली बॉक्स बन के आएगा, उसके बाद मंथली आएगा, मंथली के बाद आपका यहाँ पे डे के हिसाब से आएगा। तो यहाँ पे एक एक करके जो मंथ डे चाहिए आप चेकबॉक्स पे क्लिक कीजिए और फिल्टर कर लीजिए। अगर इसकी कंडीशन की बात करें तो इसमें कुछ ज़्यादा ही है, तो सबसे पहले सिस्टम डेट से कनेक्टेड है, जैसे इक्वल कोई पर्टिकुलर डेट, किसी पर्टिकुलर डेट के बाद, जैसे मैं चाहता हूँ कि 14 दिन 14 अप्रैल के बाद वाला डेट आई सिलेक्ट हो जाए, तो हमने क्या किया, बाद ही पहले बिफोर है, इज बिफोर डे हुआ यहाँ पे, इज बिफोर इज आफ्टर कर देता हूँ 14 अप्रैल एंड ओके कर दें, तो 14 अप्रैल से पहले की सारी डेट हाईलाइट से बात की। तो यहाँ पे आप जो करेंगे इक्वल बिफोर आफ्टर बिटवीन, ये आपको मैनुअल डेट डालना पड़ेगा, इसमें आपको मैनुअल डेट डालना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे आप करेंगे टुमारो, कल की डेट अब फिल्टर हो जाएगी आपकी, टुडे आज की डेट फिल्टर हो जाएगी, ऑटोमेटिकली सिस्टम डेट से ले लेगा ये, और ऐसे ही यहाँ पे स्टरडे, नेक्स्ट वीक, दिस वीक, लास्ट वीक, मंथ, दिस मंथ, लास्ट मंथ, नेक्स्ट क्वार्टर, दिस क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर, ये चीज़ें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ईयर टू डेट मतलब कि एक 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 जनवरी से लेके आज की डेट तक आपका हाईलाइट हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा जो भी होगा, तो ये डेट की फिल्टर इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी हमारी फिल्टर। अब अगला टॉपिक हमारा आता है पिवट टेबल, और मैं 1.5 घंटा कंटिन्यू आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, कुछ लोग ऐसे होंगे थोड़ा सा बोर फील होंगे, तो हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं 10 मिनट का ब्रेक रखते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है पिवट टेबल का। तो पिवट टेबल के लिए मुझे एक डेटा अलग से लेना पड़ेगा, पिवट का डेटा, तो मैं एक फाइल ओपन करता हूँ। पिवट टेबल, पिवट टेबल एक्सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बोला जाता है। पिवट टेबल को ही बेस पे लेते हुए दो नए सॉफ्टवेयर बने हैं, जो कि है पावर बीआई और टैबलो। ये पिवट टेबल के एडवांस वर्जन कहा जा सकता है, इसका बेसिक जो है, बेस जो है वो हमारा पिवट टेबल ही है। तो पिवट टेबल पे आते हैं, तो सबसे पहले जानते हैं कि पिवट टेबल का आखिर यूज क्या होता है। पहली चीज को समझिए, पिवट टेबल का यूज क्या होता है। उससे पहले हम इस चीज को जानते हैं कि हमारे ऑफिस में सबसे ज्यादा ऑफिस में क्या करते हैं, हम ऑफिस में अपनी रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं, तो हमारा रिपोर्ट क्या होता है, रिपोर्ट होता है समरी ऑफ द डेटा, कि हम डेटा को किसी एंगल पे समराइज करते हैं। तो पिवट टेबल का यूज होता है समराइज द डेटा, एनालाइज द डेटा एंड रिप्रेजेंट ऑफ द डेटा। तो पिवट टेबल टॉपिक को आप थोड़ा सा डिटेल में सीखिएगा। तो पिवट टेबल लगाने से पहले चेक कर लीजिएगा कि आपके डेटा में सारे हेडिंग्स है या नहीं, क्योंकि अगर हेडिंग्स नहीं है तो पिवट टेबल अप्लाई ही नहीं होगा, या अप्लाई अगर हो भी गया तो जो ब्लैंक है उसको फील्ड वन लेके चलेगा। दूसरा कि पिवट टेबल लगाने से पहले डेटा को सिलेक्ट करना है या नहीं करना है। तो पिवट टेबल के लिए लगाते समय डेटा को पिवट टेबल में जो हमारे पास डेटा है उस डेटा को ब्लैंक रो है या नहीं है। अगर ब्लैंक रो है आपके पास तो डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा, डेटा को बिना सिलेक्ट किए नहीं हो सकता, डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा।
डेटा को सिलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो और डाउन एरो करोगे तो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई रो ब्लैंक नहीं है तो सिलेक्शन की जरूरत नहीं, एक कंट्रोल ए के अकॉर्डिंग चलता है। और आपको जाना है इंसर्ट, इंसर्ट में पिवट टेबल से पहले यहाँ रिकमेंडेड पिवट टेबल जाना चाहिए। ये क्या करता है कि आपको डेटा का रीड करता है और उसके बाद आपको सजेस्ट करता है कि इस पे कितने तरह के पिवट बन सकते हैं। तो अगर आपका जो रिक्वायरमेंट है इसी के अकॉर्डिंग है तो आप इसको सिलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। अदरवाइज अब यहाँ पिवट टेबल पे क्लिक करें एंड जस्ट ओके कर दें, एक नई शीट ऐड होगी। ये आपका पिवट एरिया होगा, ये आपके लिस्ट ऑफ फील्ड होंगे जो आपके डेटा में थे। अब यहाँ पे जानना है कि आपको आपको इस डेटा पे आखिरी रिपोर्ट या समरी चाहिए तो क्या चाहिए। तो मुझे जस्ट पता करना है कि रीजन वाइज कितने नंबर ऑफ सेल्स हुए हैं, जस्ट मुझे ये पता करना है, और कितना मान लीजिए रेवेन्यू भी जनरेट हुआ, MRP इज द रेवेन्यू मान लीजिए। तो मैं क्या करूंगा, अपने रीजन को उठा के रो में रखूंगा। अब रो में क्यों रखा, ताकि यहाँ रो वाइज डेटा आ जाए। अब यहाँ पे देखिए डेटा हमेशा यूनिक आएगा, मतलब यहाँ डेटा में रीजन कई बार रिपीटेड है, बट यहाँ पे एक ही बार आएगा क्योंकि यहाँ समरी बन रहा है। उसके अलावा मैं सेल्स को रखता हूँ वैल्यू में, मैंने इसको वैल्यू में क्या रखा क्योंकि मुझे इसके ऊपर कैलकुलेशन चाहिए, मतलब सम। उसके बाद यहाँ हमारा MRP है, मैंने MRP को भी यहाँ रख दिया, यहाँ भी सम आ गया। बट MRP को सम करना तो ठीक नहीं होगा क्योंकि MRP को तो एवरेज करना सही होता है। तो हम क्या करेंगे, इस पर भी डबल क्लिक कर सकते हैं और यहां से एवरेज ले सकते हैं, या फिर साइड में यहां क्लिक कीजिए और वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जा सकते हैं, एवरेज एवरेज आ गया। अब पिवट की फॉर्मेटिंग के बारे में जानते हैं। तो जैसे ये रो लेवल दिख रहा है आपको, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं कि एरिया ऑफ सेल्स या एरिया या रीजन, कुछ भी लिखना चाहते लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टोटल सेल्स, इसको चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे और उसके अलावा मैं इसको सिलेक्ट किया और मैं इसको यहाँ से डेसिमल प्लेसेस को कम या ज़्यादा कर देता हूँ। तो चेंज करने के लिए मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ। चेंज क्या नहीं होगा, तो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो फील्ड में वैल्यूज में होती है फील्ड, उसको चेंज नहीं कर सकते, वरना आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। अब ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हुआ तो और भी जैसे फॉर्मेट अप्लाई करना आपको, तो वहां पे एक दिक्कत होती है सर। दिक्कत क्या होती है कि अगर आपने फॉर्मेट अप्लाई किया और रिफ्रेश किया, जैसे मान लीजिए मैंने कलर या बॉर्डर ले लिया और रिफ्रेश किया, तो रिफ्रेश करने के बाद आपकी वैल्यू जो है कम और ज्यादा होगी, तो आपका फॉर्मेट कम और ज्यादा नहीं होगा क्योंकि फॉर्मेट और पिवट से कोई लिंक नहीं। तो पिवट पे फॉर्मेट करने के लिए आप पिवट पे क्लिक कीजिए, यहाँ आपको डिजाइन का टैब ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इस पे जाइए और यहाँ से आप अपना डिजाइन सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी डिजाइन चाहिए, जो भी डिजाइन चाहिए वो सिलेक्ट कर। मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब ये पिवट का पार्ट हो गया। जैसे पिवट चेंज होगा ये अपने आप को भी चेंज करेगा। अब मुझे यहां पे दो तरीके चाहिए, जैसे कि यहां पे मेरे पास टीम भी है, टीम मेंबर्स हैं, तो मैं चाहता हूं कि मुझे किस रीजन के कौन से टीम मेंबर ने कितना सेल किया है। तो अब यहां पे देखिए कि वैल्यू रखा होगा, मैं वैल्यू को अगर नीचे उठा कर रखता हूं तो डेटा आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये वैल्यू कब आएगा, जब दो पड़ेगा, मैं टोटल सेल्स घटा देता हूँ तो वैल्यू नहीं दिखेगा। मतलब कि अगर आपने एक फील्ड रखा है वैल्यू वाले फील्ड में, तो यहाँ पे ऊपर वैल्यू का फील्ड आएगा कॉलम में, वरना नहीं आएगा।
अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने टीम मेंबर्स को उठाता हूँ और कॉलम में रख देता हूँ, तो कुछ इस तरह का डिटेल्स आपके सामने आए। लेकिन ध्यान रहे टीम मेंबर जो है आप उतना ही रखें, छोटे अमाउंट को ही रखें। जैसे मान लीजिए आप टीम अगर रखते हैं, मैं टीम मेंबर की जगह मैं टीम कर देता हूँ, तो टीम का रिपोर्ट आपका सही आ रहा है, तो ये रिपोर्ट सही आ रहा है। तो आप जो है कॉलम में उसी फील्ड को रखें जिसकी आइटम या लेजेंड कहे वो लिमिटेड है, कम हो, ज़्यादा होगा तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या हो जाएगी कि फिर वो नेविगेट करने में, क्योंकि वर्टिकली नेविगेट करने में दिक्कत होती है, हॉरिजॉन्टल आराम से किया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए अगर ज़्यादा लिस्ट है तब क्या करें, तो ऐसे लिस्ट को हमेशा आप नीचे रीजन के मैंने कि नीचे रख देता हूँ, सब रो में रख देता हूँ, तो इस तरह से आपके दिखेंगे। अब यहाँ पे मैं एक बार टीम को हटा देता हूँ, इस तरह से दिखा। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का एक है, दिखा होगा कि आपको कॉलेप्स एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ एनालाइज पिवट टेबल एनालाइज पे जाइए, तो ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, ये आपका एक्सपेंड, ये आपका कॉलेप्स, इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन मुझे इसको अलग अलग फील्ड में चाहिए, क्यों? क्योंकि अभी तो आपका ठीक दिख रहा है, तो जैसे मैं इसको कॉपी करूंगा और कहीं दूसरे जगह पे पेस्ट एज ए वैल्यू कर दूंगा, पेस्ट एज ए वैल्यू कर दूंगा, तो क्या होगा? अब पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा सिटी कौन सा है, रीजन कौन सा है और हमारी टीम के मेंबर कौन है। रीजन हो जाए प्रॉब्लम हो जाती है देखने में, ये अलग अलग कॉलम में होता कि एरिया होता और उसके बाद फिर हमारे टीम मेंबर होते हैं, फिर सेल्स होते, सही से दिखता। इसके लिए दो तरीके हैं, एक तो आप यहाँ पिवट टेबल के डिजाइन में रिपोर्ट लेआउट के अंदर सो टेबुलर फॉर्म कर दीजिए, सो टेबुलर फॉर्म यहाँ दिख जाएगा, या फिर राइट क्लिक कीजिए, पिवट टेबल ऑप्शन में जाइए और यहाँ डिस्प्ले में क्लासिक पिवट टेबल लेआउट आपको दिखेगा, क्लासिक पिवट टेबल लेआउट, और फिर इसको ओके कर दीजिए। ये आपका यहाँ पे अलग अलग फील्ड में आ गया। अभी देखिए हर के नीचे टोटल दिया हुआ है, ये टोटल नहीं चाहिए, तो राइट क्लिक कीजिए यहाँ पे और यहाँ पे सब टोटल रीजन दिख रहा होगा, इसको अनचेक कर दीजिए, इस पर क्लिक कर दीजिए, अनचेक हो जाएगा, ये हट गया। अब दिक्कत ये है कि अभी भी मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ तो प्रॉब्लम होता है फिल्टर में, फिल्टर में। अब प्रॉब्लम है कि अब इसका मुझे इस तरह से अगर ड्रैग होता, रिपीट होता, तो हमें फिल्टर में आसानी होती देता। सो मैं पिवट पे चाहता हूँ कि मेरे जो नेम्स है वो फिल्टर होके नीचे की तरफ आ जाए। जी हाँ, मेरे जो नेम्स है वो फिल्टर होके नीचे की तरफ आ जाए, तो उस केस में मैं क्या करूँगा? तो उस केस में मैं यहाँ पे डिजाइन में जाऊँगा और यहीं पे आपको रिपोर्ट लेआउट में रिपीट और आइटम दिखेगा और यहाँ पे डू नॉट रिपीट दिखेगा। रिपीट भी करवा सकते हैं और डू नॉट रिपीट भी करवा सकते हैं। और यहीं पे आप रिमूव, यहाँ पे इंसर्ट ब्लैंक लाइन, तो हर एक रीजन के बाद ब्लैंक लाइन इंसर्ट हो जाएगा, रिमूव ब्लैंक लाइन तो ब्लैंक लाइन हट भी जाएगा, इसका यूज कर सकते हैं आप। या फिर आप डू नॉट रिपीट करते हैं, मैं चाहता हूँ मर्ज हो जाए, तो राइट क्लिक कीजिए, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाइए और यहीं पे आप इसको मर्ज कर सकते हैं, ये आपका मर्ज हो जाएगा, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, अब मान लीजिए कि मैं यहाँ से टीम मेंबर को हटा देता हूँ, रीजन को रखता हूँ। अभी मैं देखा कि कैलिफोर्निया का 4435 सेल है, तो कैसे पता चलेगा कि किस किस का है? तो डेटा में जाके मैं फिल्टर लगाऊँ, उससे अच्छा है कि मैं जस्ट इस पर डबल क्लिक कर दूँ,
डबल क्लिक करते ही ये पूरा का पूरा कैलिफोर्निया का डेटा को कॉपी करके एक नई शीट पे पेस्ट कर देगा। जस्ट क्या करना है, डबल क्लिक करना है इस पे आपको। अब यहाँ पे ये दिक्कत है कि बहुत सारे लोगों को डबल क्लिक करने की आदत होती है, तो हर बार डबल क्लिक करते ही नई शीट ऐड हो जाएगी, उनके लिए प्रॉब्लम है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ से मैं डेटा के अंदर एनेबल शो डिटेल्स को अनचेक कर देता हूँ। फिर अब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो डेटा मेरा चेंज नहीं होगा, जस्ट मैंने डबल क्लिक कर दिया। उसके बाद अब मान लीजिए कि अभी जैसे देखा आपने कि मैंने यहाँ पे टीम मेंबर को कॉलम में रखा था, टीम मेंबर्स को कहता हूं मैं, उसको मैंने कॉलम में रखा तो इस, और फिर मैं सेल्स को वैल्यू में रखता हूं। तो यहां पे कई सारे जगहों पे ब्लैंक है, मैं चाहता हूं ब्लैंक ना दिखे, इस पे जीरो दिखे या कोई करेक्टर दिखे, तो राइट क्लिक कीजिए, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाइए और यहां शो इंपैक्टेड सेल पे अपना एरर दे दीजिए जो देना है, या फिर मुझे यहां पे जीरो चाहिए तो मैं यहां पे जीरो दे देता हूं, जीरो शो। अब समराइजेशन के बाद अगला टॉपिक आता है हमारा ग्रुपिंग का, पिवट पे ग्रुप कैसे करें। तो मैं टीम मेंबर को हटा देता हूं। जैसे यहां पे देखिए कि दिल्ली और न्यू दिल्ली दोनों एक ही जैसा, एक ही है, अलग अलग थे यहां पे, तो मैंने कंट्रोल या शिफ्ट की मदद से इन दोनों को सिलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक किया और चले गए ग्रुप पे। अब यहां देखिए दोनों एक जगह ग्रुप होके ग्रुप वन आ गया। अब यहां पे देखिए ग्रुप वन टोटल, ग्रुप वन टोटल कितना है, रीजन वन रीजन टू हो गया, तो रीजन को हटाइए, रीजन टू को रहने दीजिए और ग्रुप वन को आप यहां पे दिल्ली दे दीजिए या दिल्ली दे दीजिए, तो दोनों का मर्ज यहां पे हो जाता है। तो क्या इस तरह की मर्जिंग हम टेक्स्ट के अलावा नंबर पे भी कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। हम एक पिवट टेबल यहाँ इंसर्ट करते हैं। पिवट टेबल इंसर्ट करते समय मैंने मान लीजिए कि अपने सेल्स को यहाँ रख दिया और फिर हमने मान लीजिए कि रीजन को यहाँ काउंट कर देते हैं। हमें ये पता करना है कि बिटवीन 10 से 20 में कितने नंबर ऑफ ऑर्डर आते हैं, 20 से 30 में कितने आते हैं, इस तरह का स्लैब चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि इस पर राइट क्लिक करूंगा और यहां ग्रुप पे आ जाऊंगा। ग्रुप पे आने के बाद आप यहां मिनिमम और मैक्सिमम आ जाता है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, और ग्रुप 10 का चाहिए या 15 का चाहिए या 20 का चाहिए यहां पे आप लिख दीजिए। और यहां ओके कीजिए, ये आपका इस तरह से ग्रुप हो जाएगा। तो नंबर को इस तरह से आप ग्रुप कर सकते हैं। तो टेक्स्ट एंड नंबर ग्रुपिंग के बाद बाकी अगला ऑप्शन आता है डेट की ग्रुपिंग की। तो पिवट टेबल में हम आते हैं और यहां हम डेट की ग्रुपिंग की बात करते हैं। तो इसके लिए हम यहां डेट को सिलेक्ट करते हैं, सेल्स रेट को। तो सेल्स रेट डालते ही ऑटोमेटिकली यहां देखिए ग्रुप में जाता है, लेकिन अगर ग्रुप नहीं हुआ या ग्रुप अपने हिसाब से करना है कि भाई मंथ क्वार्टर ईयर नहीं, मुझे सिर्फ क्वार्टर चाहिए, मैं इसको अनग्रुप करता हूं, मैं तो राइट क्लिक कीजिए ग्रुप, और ग्रुप में मुझे मान लीजिए मंथली चाहिए तो आपका देखिए मंथली ग्रुप हो जाएगा। मुझे मंथ और क्वार्टर दोनों चाहिए तो मैं यहाँ पे ग्रुप में दोनों सेलेक्ट करूंगा तो दोनों हो जाएगा, या मुझे 15 दिन की ग्रुप चाहिए तो मैं ग्रुप करके मैं मंथ और क्वार्टर को हटा दूंगा और डेट सेलेक्ट करके यहाँ 15 रख दूंगा, तो 15 दिन का ग्रुप आपको यहाँ दिख जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते इसमें कैलकुलेशन की पार्ट के। कैलकुलेशन मतलब कि मेरे पास सेल्स है
एमआरपी है बट रेवेन्यू नहीं है, टोटल रेवेन्यू पर आवर है कि टोटल आखिर सेल हुआ कितना। 22 प्रोडक्ट को 874 रुपए के हिसाब से बेचा गया, टोटल अमाउंट कितना हुआ। तो ऐसी फील्ड की कैलकुलेशन कर सकते हैं हम यहाँ। देखिए फील्ड की कैलकुलेशन से पहले मैं आइटम कैलकुलेशन समझाना चाहूँगा। मैंने सेल्स ले लिया और मान लीजिए मैंने यहाँ रीजन ले लेता, अब मुझे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन चाहिए। कंट्रीब्यूशन मतलब कि मुझे पता करना है कि भाई कैलिफोर्निया टोटल सेल्स का काउंट ऑफ सेल्स है, मैं इसको सम ऑफ सेल्स कर देता हूँ यहाँ से, कि टोटल सेल्स 2945 उसका कितना परसेंट शेयर होल्डर है, मतलब कितना परसेंट शेयरिंग क्या है उसका। तो उस केस में यहाँ वैल्यू फील्ड्स में जाते हैं और सो वैल्यू में कैलकुलेशन के जगह पे परसेंटेज ऑफ ग्रांट टोटल दिख रहा होगा, सिलेक्ट करते हैं एंड ओके करते हैं, ये आपका आ गया। इसी तरह से इसमें बहुत सारे और कैलकुलेशन हैं तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, कुछ सबको बताना पॉसिबल ही नहीं होगा। जैसे रनिंग टोटल कर लीजिए तो आपका क्लिमटी टोटल हो जाता है, एरो दिख जाता है यहाँ। तो इस तरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन मुझे दो फील्ड के आपस में कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आपको पिवट टेबल के एनालाइज में जाना होगा। यहाँ फील्ड आइटम सेव, इसमें आइए कैलकुलेटेड फील्ड पे हम जाते हैं। कैलकुलेटेड फील्ड में मैं यहाँ पे टोटल लगता हूँ और इस टोटल में मैं आता हूँ कि मुझे सेल्स को इंसर्ट यहाँ पे, सॉरी सेल्स को इंसर्ट किया मल्टीप्लाई, मुझे चाहिए एमआरपी उसको सिलेक्ट करके इंसर्ट किया एंड अब यहां अच्छा टोटल ऑलरेडी है टोटल रेवेन्यू अब आ जाएगा एंड अब मैं टोटल रेवेन्यू का यहाँ पे देखिए आगे तो जीरो क्यों है देखिए मैं दोबारा मैं दिखाता हूँ। कैलकुलेटेड फील्ड टोटल रेवेन्यू को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट नहीं लिखना आपको टोटल यहाँ पे मैं एमआरपी इंसर्ट किया मल्टीप्लाई बाय सेल्स और इसको मॉडिफाई करता हूँ एंड ओके लीजिए। कुछ डेटा में प्रॉब्लम है, मैं एक अलग डेटा पे आपको दिखाता हूँ, चलिए दो मिनट दीजिए अलग डेटा बना लेता हूँ। डेटा में ब्लैंक्स वगैरह होंगे इस कारण से ऐसी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो ब्लैंक नहीं टेक्स्ट होगा। ये तो है मेरे पास इसी को देते हैं करता हूं इंसर्ट पिवट टेबल एंड ओके और मैंने यहां पे नेम को लिया फिल आइटम में कैलकुलेटेड फील्ड पे गए टोटल और इस टोटल में हमने क्वांटिटी को इंसर्ट किया मल्टीप्लाई एमआरपी को इंसर्ट किया एंड ऐड करता हूं मैं टोटल आ गया यहां पे। मुझे इसका मान लीजिए टैक्स निकालना है तो वापस कैलकुलेटेड फील्ड में जाऊंगा जीएसटी और यहाँ टोटल को ऐड करता हूँ जो मैंने कैलकुलेट किया है मल्टीप्लाई बाय 18% हमने किया ऐड किया। तो यहाँ पे कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन या फॉर्मूला लगा सकते हो, फॉर्मूला मतलब मुझे यहाँ पे राउंड करना है तो मैं यहाँ राउंड का फिगर लगा सकता हूँ
तो यहाँ पे मैंने लिखा जी एस टी, यहाँ मॉडिफाई आ गया, और फिर से फॉर्मूला लगाता हूँ मैं, तो मैं राउंड यहाँ पे राउंड राउंड का फॉर्मूला दे दिया, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ टोटल मल्टीप्लाई बाय 18% कॉमा जीरो, और इसको मॉडिफाई कर देता हूँ एंड देखिए डाउन हो गया। ऐसे एक सब फॉर्मूले भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं इसमें। अब अगला टॉपिक हमारा आता है एक्सटर्नल पिवट पे। जी हाँ, एक्सटर्नल पिवट मतलब कि मैं डेटा को बिना ओपन किए क्या पिवट लगा सकता हूँ। आपके ऑफिस में ऐसे फाइल होंगे कि जो काफ़ी बड़े बड़े फाइल होंगे, और उस बड़े बड़े फाइल में दिक्कत ये होता होगा कि जब उसको आप ओपन करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता होगा। मैं चाहता हूँ कि फाइल को बिना ओपन किए ही मैं पिवट लगा लूँ, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ज़रूर पॉसिबल है। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए कुछ नहीं करना आपको, उसके लिए आपको यहाँ पे पिवट टेबल पे जाना है, और यहाँ डेवलपर में माफ कीजिएगा इंसर्ट इंसर्ट में पिवट टेबल, और यहाँ पे यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स चूज कनेक्शंस, और यहाँ से आप जो है अपने डेटा, आप पहले से आपने एक्सटर्नल लगा रखा है तो यहाँ पे डेटा आएगा नहीं, तो ब्राउज पे जाए, और ब्राउज पे जाने के बाद अपने फाइल चाहे एक्सेल का फाइल हो या एक्सिस का फाइल हो, उस फाइल को आप सिलेक्ट कर ले जिस पे आपको पिवट लगाना है। जैसे मैं गूगल ड्राइव की फाइल एक हमारी है पावर बी आई एम डे, हम इसको ओपन किया एप ओपन किया, यहाँ पे एक बार एक सीट से लगेगी, उस सीट को सिलेक्ट करो एप ओके एंड देन। अब यहाँ पे मैं आराम से पिवट लगा सकता हूँ कहीं से। अब बात करते हैं स्लाइसर की। एक्सटर्नल पिवट टेबल लगाने के बाद हम बात करेंगे स्लाइसर की, स्लाइसर का क्या इस्तेमाल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे नेम बाइज क्वान्टिटी का टोटल निकाल दिया। अब मुझे यहाँ पे सिटी और स्टेट का चाहिए फिल्टर, तो फिल्टर आप यहाँ पे लगाते हैं तो ये फिल्टर उतना का अच्छा चीज होता नहीं है। तो आप कर सकते हैं कि फिल्टर इसके अलावा आप यहाँ पिवट टेबल ही आपको दिखेगा स्लाइसर, स्लाइसर को लें और यहाँ से आप सिटी चाहिए, स्टेट चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, आप यहाँ से इसको ओके कर दीजिए, तो आपका पिवट जो है इसके अकॉर्डिंग आपका फिल्टर होगा। जैसे मान लीजिए मैं बिहार को सिलेक्ट करता हूँ, तो बिहार से रिलेटेड जितने भी सिटी हैं यहाँ पे आपको दिख गया। मैं मान लीजिए कि इसमें मैं हाजीपुर को सिलेक्ट करता हूँ, तो हाजीपुर का डेटा आपको दिख जाएगा। प्रोडक्ट के हिसाब से इसे चूज कर सकता हूँ, दिल्ली से मैं यहाँ चूज कर सकता हूँ। तो ये सारे आपस में डिपेंडेंट होते हैं कि जैसे एक को सिलेक्ट किया है तो आप बाकी भी इसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। अब एक साथ दो पिवट पे भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। दो पिवट मतलब एक ही डेटा पे दो तरह के पिवट लगाना चाहें आप। जैसे यहाँ पे सम ऑफ द क्वांटिटी है नेम वाइज, अब अगला मैं चाहता हूँ कि मेरा एमआरपी का एवरेज सिटी वाइज एमआरपी का एवरेज, तो मैं दोबारा पिवट लगा सकता हूँ या इसी पिवट को कॉपी करके इसके बगल में पेस्ट कर दूंगा, तो एज ए पिवट ही पेस्ट होगा अगर पूरी डेटा को सिलेक्ट करता हूँ। अब इसमें मैं अपना क्वांटिटी को हटाता हूँ, एमआरपी को रखता हूँ, नेम को हटाता हूँ, और मैं रखता हूँ अपने सिटी को, सिटी वाइज मेरे पास टोटल यहाँ। अब यहाँ डिजाइन में जाइए, नहीं एनालाइज में जाइए, फिल्टर कनेक्शन दिखेगा, इस पर आप जो स्लाइसर ऐड किए हैं उसको ऐड ओके कर दीजिए, फिर इसके ऊपर आप इसको आसानी से फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। और स्लाइसर सिर्फ आपको पिवट में ही नहीं आपके डेटा टेबल में भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि डेटा को फिल्टर करना है आपको, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, एक छोटा सा डेटा मैं दिखाता हूँ आपको तो पता चल जाएगा कि डेटा टेबल फिर स्लाइसर इस्तेमाल क्या होता है। तो मैं एक बार एम डेटा को देता हूँ,
अब यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया और होम में या इंसर्ट में, यहाँ टेबल दिखेगा, होम में आपके पास दिखता है फॉर्मेट एज ए टेबल, उसमें आप अपना जो भी डेटा फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को चूज कर लीजिए एंड ओके कीजिए, आपका टेबल उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। अब टेबल के ऊपर में टेबल फॉर्मेट है, आप यहाँ पे टोटल रो लास्ट में ऐड कर सकते हैं कि भाई आपको सम चाहिए, एवरेज चाहिए, मुझे मान लीजिए इसका सम चाहिए, मुझे इसका एवरेज चाहिए, ये इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और इस पर भी आप स्लाइसर इंसर्ट कर दीजिए फिल्टर के लिए कि नेम स्टेट फुलर, ओके कर दीजिए। तो यहाँ भी जस्ट वो क्लिक करेंगे और देख, एक मिनट में इसको कट करता हूँ सिलेक्ट करके, अगर मान लीजिए दिल्ली को सिलेक्ट किया तो दिल्ली के हिसाब से मेरा नेम के हिसाब से फिल्टर डेटा फिल्टर होते चलता है, जो डेटा नहीं होगा वो इस तरह से ग्रेन हो जाएगा, अनहाइलाइटेड हो जाएगा, तो इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पिवट टेबल में हम बात करते हैं पावर पिवट टेबल, पावर पिवट टेबल को देख लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उसके लिए एक छोटा सा डेटा मैं क्रिएट करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरी ये सेल्स आईडी है, ये हमारा प्रोडक्ट आईडी है, ये हमारा सी आईडी है, कस्टमर आईडी है, ये क्वांटिटी है, फटाफट मैं इसको बना देता हूँ। डेटा हमारा यहाँ बन गया, डेटा क्या है मैं दो मिनट में समझाता हूं, देखो। अब ये मेरा डेटा हो गया सेल्स का। सेल्स के बाद अगला टॉपिक जो हमारा है वो है प्रोडक्ट, और यहां पे आ जाता है मेरा सेल्स। प्रोडक्ट में पी आई डी, नेम एंड अमाउंट, और कस्टमर में भी मैं ऐसे ही पास ले देता हूँ नेम सी आई डी। अब प्रॉब्लम क्या है कि मुझे पिवट टेबल निकालनी है, अब बट यहां पे मुझे चाहिए प्रोडक्ट के नेम, प्रोडक्ट के नेम बाय, प्रोडक्ट नेम बाय चाहिए या फिर मुझे क्लाइंट बाय चाहिए। तो कैसे करें इसको, लुकअप लगा के इनके डिटेल्स लाने पड़ेंगे। तो इसके लिए दो तरीके हैं, अगर एक दो टेबल, एक आध टेबल पे करना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इंसर्ट कीजिए पिवट टेबल और यहाँ ऐड डेटा टू डेटा मॉडल कर दीजिए। अगर पिवट टेबल पहली बार थोड़ा सा टाइम देगा, उसके बाद वापस हम सेल्स पे आते हैं, इस पे प्रोडक्ट पे, और प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं और इंसर्ट पिवट टेबल, और फिर वापस ऐड टू डेटा मॉडल हमने किया, लेकिन दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट नहीं हुआ। तो किसी एक पिवट पे जाएं और ये देखिए रिलेशनशिप आपका एक्टिवेट होगा पिवट टेबल एनालाइज में। तो मुझे बताना होगा कि सेल्स में और प्रोडक्ट में क्या कॉमन है। तो न्यू में गया मैं,
और मैंने बोला कि रेंज यहाँ पे सेल्स हो जाएगा रेंज, रेंज का पी आई डी और प्रोडक्ट का रेंज वन तक की प्रोडक्ट का पी आई डी दोनों सेम है एंड ओके कर दिया एंड क्लोज। अब यहाँ पिवट में यहाँ ऑल पिवट टेबल देखिएगा, तो मैंने यहाँ पे नेम उठा लिया और यहाँ रेंज से हमने क्वांटिटी उठा ली और आपने देखा इस तरह से आपके सामने जो नेम है यहाँ रिलेशन होकर प्रोडक्ट वाले शीट से आपको दिख गई। लेकिन दिक्कत है कि यहाँ अगर मान लीजिए आपको बहुत सारे पिवट बनाने हो तो दिक्कत होगा, तो उसके लिए क्या करें आप पावर पिवट का इस्तेमाल करें। बट पावर पिवट आपको मुझे यहाँ दिख रहा है बट आपको नहीं दिखेगा, अगर आपके पास विंडो 13 से ऊपर है तो आप फाइल में जाएं, एक्सेल ऑप्शन पे जाएं, एडिंग्स में जाएं, एडिंग्स में क्लिक करने पर थोड़ा टाइम लेगा और यहाँ पे एक्सेल के जगह पे कॉम एंड्स में जाएं, कॉम एडिंग्स गो पे जाएं और यहाँ से देखिए पावर पिवट का जो एडिंग्स है इसको सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए एंड ओके। उसके बाद यहाँ पावर पिवट में मैनेज दिखेगा, मैनेज पे क्लिक कीजिए। मैनेज पे क्लिक करने के साथ आपको एक्सेल जैसा ही एक और ऐप खुल के अलग एक ऐप खुल जाएगा, इसको हम लोग पावर क्यूरी कहते हैं, क्यूरी कहते हैं। तो इसमें जो दो सीट आपने ऐड किया था वो आपको यहाँ पे ऐड दिखेंगे, रेंज वन और रेंज। इसका चेंज भी कर सकते हैं नाम, जैसे मैंने इसका नाम रख दिया सेल्स, सेल्स और इसका नाम रख दिया प्रोडक्ट। ये थोड़ा स्लो काम करता है, ध्यान रखिएगा इसका। और तीसरा मुझे चाहिए कस्टमर, मैं कस्टमर में गया और कस्टमर को सिलेक्ट कर लिया, इंसर्ट पिवट टेबल, माफ कीजिएगा पिवट टेबल नहीं, यहाँ पावर पिवट और यहाँ पे ऐड डेटा, माय डेटा हैज हेडर पे क्लिक कर दीजिएगा एंड ओके कीजिएगा। यहाँ एक टेबल वन आ गया, अभी टेबल वन को चेंज नाम चेंज कर सकते हैं, यहाँ सीट जैसा दिखेगा इस पर डबल क्लिक कीजिए और मैंने यहाँ पे कस्टमर कर दिया। अब मुझे यहाँ दिखेगा आपको डेटा व्यू, डायग्राम व्यू, तो डायग्राम व्यू पे क्लिक कीजिए तो टेबल का फॉर्मेट दिख जाएगा जैसे कि एक्सेल सर्वर में या जैसे कि एक्सेस में दिखता है। उसके बाद मैंने क्या किया कि सी आई डी को उठाया और इसके सी आई डी के ऊपर ड्रॉप कर दिया, मतलब कि रिलेट कर दिया कि कस्टमर का सी आई डी या सेल्स का सी आई डी दोनों एक ही है, रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। अब मुझे इसमें कैलकुलेशन भी करनी है तो मैं डेटा व्यू में आता हूँ, जैसे कि यहाँ सेल्स में आता हूँ, ओरिजिनल डेटा सेल्स है। तो यहाँ पे क्या है कि क्वांटिटी है बट एमआरपी नहीं है और एमआरपी के साथ यहाँ प्रोडक्ट की मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो मैं यहाँ पे एमआरपी लाने के लिए मैं यहाँ ऐड कॉलम पे क्लिक करूँगा, यहाँ टाइप करूँगा एमआरपी, एंटर करूँगा तो यहाँ एमआरपी आ जाएगा। लेकिन एमआरपी उठ के कैसे आएगा प्रोडक्ट से, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे रिलेटेड का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा जो कि पावर पिवट में होता है, रिलेटेड इक्वल रिलेटेड, और रिलेटेड में मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया कि प्रोडक्ट की एमआरपी, टैब से सेलेक्ट किया और एंटर मार दिया, यहाँ पे आ गया। फिर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन करना है, अमाउंट निकालना है, तो यहाँ ऐड कॉलम पे जाऊंगा और यहाँ पे अमाउंट को लिखूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, कॉलम क्रिएट हो जाएगा और जैसे एक्सेल में मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसी यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर टैब का नाम लिखना पड़ेगा इक्वल, हमने बोला क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी और एंटर प्रेस किया। अब मैंने सब कुछ और भी कैलकुलेशन करना है तो कर लीजिए, इसके बाद फिर वापस पिवट टेबल पे क्लिक कीजिए, वापस हम पिवट टेबल पे आ जाएंगे, न्यू वर्कशीट में हमारा डेटा जिनों से ले सकता हूँ, मैंने मान लीजिए सेल्स का मैंने अमाउंट यहाँ रख दिया, मैं प्रोडक्ट का नेम
यहाँ पे रखा, और फिर मैं कस्टमर का सिटी जो है फिल्टर में रखता हूँ और नेम को मैं यहाँ इस पर रखता हूँ। तो आपके सामने तीन अलग अलग टेबल से पिवट टेबल क्रिएट होगा। अब पिवट टेबल की टॉपिक को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, हालांकि पिवट टेबल बहुत बड़ी टॉपिक है बट टाइम की कमी है हमारे पास। अब अगला टॉपिक हम चार्ट्स की बात करते हैं, चार्ट्स और पिवट चार्ट्स दोनों। आप इंसर्ट में जाके डायरेक्ट पिवट पे चार्ट या पिवट चार्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पिवट एनालाइज में जाइए, ये रहा पिवट चार्ट। अब चार्ट की जरूरत क्यों होती है कि डेटा को ग्राफिकली विजुलाइज करने की। तो मैंने यहां से चार्ट को सेलेक्ट किया, तो मैं डेटा को सिलेक्ट नहीं किया, मुझे यहाँ डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा इंसर्ट, और यहाँ हमने चार्ट आपके सामने चार्ट दिया। अभी चार्ट के यहाँ डिजाइन पे आएंगे तो चार्ट के डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स हैं जो कि आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। फिर मुझे इस पे डेटा चाहिए तो राइट क्लिक करूंगा, एड डेटा लेबल, तो यहाँ हमारा डेटा लेबल एड होगा, तो पिवट से लिंक हो जाएगा फिर। लेकिन आपको अगर आपको विदाउट पिवट का बनाना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम और यहाँ पे सेल्स देता हूँ, और मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ। कॉपी एंड पेस्ट। मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैं पिवट टेबल पे आता हूँ, सॉरी पिवट टेबल में चार्ट, चार्ट्स पे आता हूँ, और आपके सामने यहाँ पे हमारा चार्ट का लिंक दिख रहा है। अब इसको यहाँ से स्टाइल है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसके यहाँ पे लेआउट है तो क्विक लेआउट में जाके लेआउट चाहिए जो लेआउट चाहिए वो रख लीजिए आप। जैसे मैं लेआउट 5 पर दूंगा, इसका डेटा भी इसके साथ आ जाएगा। और चार्ट भी अलग अलग तरह के, ये आपके कॉलम चार्ट थे, उसके बाद यहाँ पे कॉलम चार्ट के भी स्टाइल डिजाइन है, बाई चार्ट पार चार्ट कर लीजिए। उसके बाद ये आपका लाइन चार्ट होता है, तो लाइन चार्ट एरिया चार्ट ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ट्री मैप चार्ट होता है, एरिया के तरह से ले सकता है, या फिर यहाँ पे सब वर्स्टर चार्ट होता है, या यहाँ पे हम पाई चार्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पाई ऑफ द पाई ऑफ द बार, थ्री डी में पाई चाहिए, या डोनट चार्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कॉम्बो चार्ट भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा टारगेट है, टारगेट में हम अपना हमारा 85 हमारा टारगेट, तो मैं चार्ट में टारगेट ऐड करने के लिए बस यहाँ से ड्रैग करूँगा तो ऐड हो जाएगा। और फिर मुझे इसको कॉम्बो में कन्वर्ट करना है, जिस पर सिलेक्ट कीजिए राइट का राइट क्लिक, और यहाँ पे चेंज सीरीज चार्ट टाइप, और यहाँ से आप अपना कॉम्बो सिलेक्ट कर लीजिए जो कॉम्बो सिलेक्ट करना चाहते हैं, कि आपको टारगेट को लाइन चार्ट में करना है और ये आपका कॉलम कर्सर चार्ट ओके, ऊपर आपका लाइन आ जाएगा। लाइन अगर टारगेट अगर आप अलग अलग है, जैसे कि 45 है, 65 है, इस तरह से चेंज भी होगा, इस तरह से चार्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अलग चार्ट अलग अलग चीजों के लिए यूज किया जाता है, उसका इस्तेमाल आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब अगला टॉपिक जो आज का लास्ट टॉपिक है उस पर डिस्कस करते हैं, वो है हमारा अदर एप्लीकेशन हैंडलिंग। कि अगर मान लीजिए आपको किसी और से डेटा पैच करवाना हो तो कैसे करवाएंगे, तो डेटा में जाते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे इंटरनेट के एक पेज से ही डेटा लेके आना है, मैं एक इंटरनेट का पेज खोलता हूँ यहाँ पर, मान लीजिए मुझे वर्ल्ड मोबाइल सब्सक्राइबर का लिस्ट, मोबाइल ऑपरेटर का लिस्ट चाहिए, तो यहाँ पे लिखता हूँ
वर्ल्ड मोबाइल यूजर लिस्ट बाय कंट्री, और ये हमारा विकिपीडिया का लिस्ट है, इसी का लिखा है। अब मुझे जो एक ये जो कंट्री आपको दिख रही है, ये जो डेटा है, इस डेटा को मुझे अपने एक्सेल सीट पे चाहिए, तो मैं इस लिंक को यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ एक्सेल पे जाऊँगा, गेट डेटा फ्रॉम फाइल में नहीं, मुझे चाहिए इसमें फ्रॉम बेल। तो यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज है आपका, फ्रॉम बेल दिख जाए, यहाँ से भी ले सकते हैं फ्रॉम बेल, फ्रॉम बेल मैं यहाँ पे करता हूँ। या फिर आप यहाँ टेक्स्ट फाइल से भी ले सकते हैं, या अलग अलग डेटाबेस से भी ले सकते हैं, आप ट्राई करके देखिएगा। मैं यहाँ भी URL को पेस्ट करता हूँ एंड ओके। यहाँ फेसबुक से भी लेके आ सकते हैं सर, यहाँ पे आप देखे होंगे फॉर्म में फेसबुक भी है, बट आपके पास अपडेटेड वर्जन एक्सेल का होगा 16:19 तभी, अगर नहीं तो फिर नहीं दिखेगा सर, सिर्फ फॉर्म फाइल ही दिखेगा। यहाँ से देखिए इसने अपना टेबल ढूंढा कि इसमें कितने टेबल्स हैं, तो टेबल वो जीरो है हमारा, हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से हम इसको लोड कर दिया। अब यहाँ पे इंटरनेट से हमारा डेटा यहाँ पर आ गया। ऐसे ही अगर आप एक्सेस से चाहते हैं तो यहाँ पे डेटा में जाएं और यहाँ फ्रॉम डेटाबेस SQL सर्वर चाहिए या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चाहिए, क्लिक करके ला सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन सर्विस में फेसबुक से चाहिए या फिर अदर में जैसे कि टेबल रेंज से या वेब से या माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी SQL क्यूरी वगैरह अगर पता है तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका यूज मुझे हर तीसरे दिन इसके लिए कोई ना कोई कॉल आ ही जाता है, लेकिन उससे पहले मुझे इसके लिए एक फोल्डर तैयार करना पड़ेगा। मैं डेस्कटॉप पे देता हूँ, देखिए मेरे पास एक डीटी के फोल्डर में 5-6 फाइलें हैं, मुझे 6 फाइलों का डेटा एक के नीचे कुलेट करना है, तो मैं एक एक करके जो कॉपी पेस्ट करूंगा तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। मैं चाहता हूं कि हाँ एक एक करके कॉपी पेस्ट ना करूं, तो कैसे होगा? तो मैं यहाँ एक्सेल पे आता हूँ, गेट डेटा फ्रॉम फाइल में आपको नीचे फॉर्म फोल्डर दिखेगा। अब इस फॉर्म फोल्डर में मैं यहाँ ब्राउज पे क्लिक करता हूँ, एमएफ पे जाता हूँ, डेटा, और डेटा में हमारे पास डीटी है, ओके किया, और जैसे ओके कीजिए, ओके करने के बाद यहाँ पे आपको सारे फाइलों का लिस्ट दिख जाएगा। आप यहीं पे लोड कर देंगे तो जो डेटा दिख रहा है वही आपका लोड होगा, फाइल के डिटेल्स। देखिए मुझे इसके अंदर का डेटा कंबाइन करना है तो यहाँ पे कंबाइन एंड लोड पे चले जाएंगे। देखिए सबका टेबल सेम होना चाहिए, सबका हेडिंग सेम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। सीट को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप जस्ट लोड पे क्लिक करें, तो पांचों फाइलों का डेटा, छह फाइल का डेटा एक के नीचे यहां पे क्लीट हो जाएगा। ये देखिए एक के नीचे आपका क्लीट हो गया।
आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से इसका यूज आप कर सकते हैं। इसमें और भी फीचर्स हैं, आप ट्राई करके देखिएगा खुद से हमसे। अब कुछ छोटे मोटे चीजें हैं जो कि मैं बता देता हूं आप लोगों को। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपके सिस्टम में किसी ने डेट को इस तरह से डाल के दिया होगा, तो इस डेट को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? टेक्स्ट टू कॉलन में इसके लिए ऑप्शन है, टेक्स्ट टू कॉलन जाइए, नेक्स्ट, और यहां पे DMY कर दीजिए एंड फिनिश कर दीजिए, ये आपका डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा, मान लीजिए मुझे यहाँ पे सिटी का लिस्ट तैयार करना है, तो मैं इसके लिए डेटा वैलिडेशन यूज करूंगा। जी हाँ, डेटा वैलिडेशन क्लिक करूंगा और यहाँ पे लिस्ट में जाऊंगा और यहाँ पे दिल्ली, पुणे या कहीं पे टाइप है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकता हूँ, पटना, लिस्ट तैयार कर दिया एंड ओके कर देता हूं। अब मुझे इसमें लिस्ट ही एंटर होगी। दूसरी, अगर मान लीजिए मैंने कोई लिस्ट डुप्लीकेट बना रखी है, मुझे इसको डिलीट करना है, मतलब मुझे सिंगल चाहिए, जो भी एक नाम रह जाए बाकी डिलीट हो जाए, तो मैं यहीं पे आपका रिमूव डुप्लीकेट आता है उसका इस्तेमाल करूंगा एंड ओके कर दूंगा। जितने भी डुप्लीकेट्स हैं वो आपके यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। ओके, तो अभी टाइम मेरे पास 10 मिनट बचे हुए हैं, तो आप लोगों के पास कोई डाउट्स हैं तो बारी बारी से पूछ सकते हैं। यस सर, आई एम ऋषभ, आई हैव ए क्वेश्चन। अगर मेरे पास एक वर्कशीट है और उसमें डिफॉल्ट 3 सीटें खुलती हैं, 1, 2, 3, अगर हम उसको डेट वाइज डाटा बनाते हैं, जैसे डेट फर्स्ट जन से डाटा बना रहे हैं, फिर दूसरी सीट में सेकेंड जन का डाटा, ऐसे हम 31 जन तक पूरा डाटा क्रिएट करते हैं। अब उसके बाद 31 जन के बाद मुझे एक समराइज डाटा चाहिए, तो हम क्या करते हैं बेसिकली कि एक एक कॉलम को हम सिलेक्ट प्लस करके इक्वल करके प्लस करते हुए जाते हैं, तब वो समराइज डाटा बनता है। क्या कोई ऐसा ट्रिक है जिससे हम फर्स्ट एक या दो डेट का डाटा बनाए और कोई समराइज में ऐसा फॉर्मेट सेट कर दें ताकि हम सीट ऐड करते जाए वो ऑटोमेटिक वहां से पिकअप करता रहे? सर, इसके लिए नॉर्मल एक्सपी कोई ऐसा टूल नहीं है, ऑप्शन नहीं मुझे दिख रहा है, बट वीडीए के थ्रू ऐसे फॉर्मूले बना सकते हैं। अगर सीट पहले से एडेड है तो किया जा सकता है, लेकिन आपको तो सीट ऐड करके जाए ऑटोमेटिक फॉर्मूला भी है, ये थोड़ा सा किया जा ओके। तो इसको हम हाँ इसको आपको मैनुअली करना पड़ेगा। ओके, इसको मैनुअल करना पड़ेगा या फिर आप एक फाइल बना लीजिए पहले से, लेकिन उसमें दिक्कत है कि जैसे स्लीप अगले महीने डिलीट होगी आपकी तो एरर हो जाएगा, सीट नहीं मिलेगा। हाँ करेक्ट, सीट भी डिलीट होती है, फिर उसमें डेट भी चेंज करनी पड़ती है, मंथ का नाम भी चेंज करना पड़ेगा, मंथ का नाम चेंज उससे दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, कल फॉर्मूले की क्लास है, कल ओके ओके। किसी और क्वेश्चन है? Hello. Hello. Hi sir, Chaya this side. Actually, I have a question. ये जो हमारी फाइल होती है, जैसे हम कोई फाइल एक्सेल शीट पे, हम जस्ट कॉस्टिंग शीट है हमारी, अगर हम उसको दो लोग ओपन कर रहे हैं एक साथ, तो एक रीड ओनली आता है और एक वर्क कर सकता है, क्या कोई ऐसा ट्रिक या ऐसा कोई फॉर्मूला है जिससे दोनों एक साथ काम कर सके अलग अलग पीसी पे? कर सकते हैं। कौन सा वर्जन एक्सेल कौन सा यूज करते हैं आप? एक्सेल का तो सर हमारा बेसिक ही है, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है एक्सेल का, तो मैं आपको कंफर्म नहीं कर पाऊंगा। वर्जन का भी मुझे कंफर्म नहीं है सर। ओके, तो आप क्या कीजिएगा, आप देखिएगा रिव्यू में, पहले चीज चेक कीजिएगा रिव्यू टैग में, यहाँ पे शेयर वर्कबुक है या नहीं, नहीं है तो आपको क्या करना होगा, एक्सेल ऑप्शन में जाना होगा और यहाँ कस्टमाइज रिबन में एक ही बार जाना पड़ेगा,
उसके बाद यहाँ ऑल कमांड में आइएगा तो यहाँ पे शेयर वर्कबुक का एक ऑप्शन आएगा। यस सर। हाँ यहाँ शेयर वर्कबुक का होगा, मैं दिखाता हूँ। शीट यस हाँ यहाँ शेयर वर्कबुक। अब शेयर वर्कबुक को ऐड करना है तो रिव्यू में ही आप यहाँ इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ ऐड करने की कोशिश कीजिए। फिर ऐड नहीं होगा तो आप क्या कीजिए कि यहाँ एक नए ग्रुप पे क्लिक कीजिए और फिर इसको यहाँ से ऐड करें। ऐड करने के बाद फाइल सेव होना चाहिए और फिर इसको आप शेयर पे क्लिक करें। अभी यहाँ पर एक्टिव है क्योंकि फाइल इनएक्टिव है क्योंकि फाइल मेरा सेव नहीं है, अनसेव फाइल। सेव फाइल में जाऊँगा तो मुझे यहाँ रिव्यू में एक्टिव हो गया ना, इस पर क्लिक कीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है? यस सर। लेकिन शेयर करते समय ध्यान रखिएगा किसी फाइल पे किसी पीसी पे ओपन ना हो। ओके। एंड सर अगर हम इसको आप अभी जैसे ऐड करके से हम उसको शेयर फाइल करेंगे तो ये क्या दो अलग अलग फाइल सेव होंगी या फिर सेम फाइल एक सेम फाइल होगा? सेम फाइल होगा, दो बस दो पीसी पे काम कर जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि दोनों लोग सेम सीट पे काम ना करें, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 25 कर दिया और किसी ने आके वापस इसमें 65 कर दिया तो 65 सेव होगा उसका। ओके। ठीक है ना? यस सर। लेकिन इसके लिए गूगल सीट इस्तेमाल करेंगे तो बेटर रहेगा। सॉरी सर, गूगल सीट। गूगल सीट। ओके ठीक है। और नेक्स्ट किसी और को प्रॉब्लम है? और किसी को प्रॉब्लम है? हेलो संतोष जी, आपको कुछ प्रॉब्लम है? या सर मैं ये जानना चाह रहा था, सपोज दैट एक्सेल शीट में कोई वर्ड हमारा स्पेशल कोई वर्ड हम उसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसमें जैसे उस वो वर्ड हम लिखें तो वो कॉलम रेड मतलब कुछ भी कलरफुल उसको लाना चाहें तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताया ना सर? जी सर, आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताया था तो उसमें नंबर्स के बारे में बताया था। इक्वल के बारे में नहीं, इक्वल टू में आप कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे इक्वल टू में हमने हमने डाल दिया पूजा। नहीं सर, अब यहाँ किसी भी सेल पे पूजा टाइप होगा तो ऑटोमेटिकली कलर हो जाएगा। ठीक है? लेकिन एग्जैक्ट पूजा होना चाहिए। अगर आपने पूजा सिंह कर दिया तो हाईलाइट नहीं होगा। लेकिन आप चाहते कि नहीं मैं कोई भी वर्ड किसी के साथ डालू हाईलाइट हो जाए, जो वर्ड किसी के साथ डालू, तो यहाँ इक्वल टू की जगह पे टेक्स्ट दैट कंटेन करना पड़ेगा। ठीक है? टेक्स्ट दैट कंटेन में आप पूजा डाल दीजिए, हो जाएगा आपका। ओके थैंक यू सर। हाई सर, छाया दिस साइड अगेन। सर मेरा एक डाउट है, मुझे आपने ये जो अभी आप इससे पहले मुझे समझा आई मीन सभी को समझा रहे थे ये पिवट टेबल जो आप समझा रहे थे ये मुझे एक्चुअली प्रॉपर समझ में नहीं आया कि इसका कंसेप्ट क्या है और किस तरह से इसको हम ऐड ऑन या फिर हम उसको पिवट टेबल की बात कर रहे हैं, पावर पिवट की बात कर रहे हैं। सर मैं पिवट टेबल की बात कर रही हूँ। बेसिकली पिवट टेबल का यूज होता है डेटा को समरी क्रिएट करने के। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक डेटा है सेल्स का डेटा, राइट? मैं यहाँ ये हमारे सेल्स पर्सन है, अब मुझे पता अभी क्या है कि पूजा ने सेल किया है मुंबई में 16, फिर पूजा ने अगेन सेल किया है नागपुर में 56, तो पूरे पैन इंडिया के हिसाब से पूजा का सेल कितना है? यस। तो ऐसी समरी क्रिएट करने के लिए पिवट टेबल का इस्तेमाल होता है। सर ये आप जो आपके जैसा कि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि रिकॉर्डिंग ऑन है तो क्या ये रिकॉर्डिंग हमें मिल सकती है जिससे हम इसे रिव्यू करके दोबारा से हम आप रिकॉर्डिंग को भी देख सकते हैं। साथ में मेरे यूट्यूब पे 3000 से ऊपर वीडियोज है। ओके। तो आप क्या करें यूट्यूब पे जाके जस्ट आईपीटी इंडिया को सर्च कर लें। आईपीटी इंडिया। ओके सर। इंडिया को सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आपको दिख जाएगा, एक कीवर्ड फेमस कीवर्ड है। ओके सर।
तो मेरे पास 3113 वीडियोज है जो कि एक्सेल वीवी सबसे रिलेटेड है. ओके सर, उसको आप देख सकते हैं. ओके सर, थैंक यू सो मच. आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ऐसी बात नहीं है. ओके सर, थैंक्स. उसके अलावा ये नंबर है, आप लोग नोट कर लीजिए. यस सर, अभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो टेलीफोनिक सपोर्ट ले सकते हैं. बेसिकली हमारी ऑनलाइन लाइव क्लास एक्सपर्ट लेवल की चलती है, जिसका जो कोर्स, जो चीज़ें मैं अभी समझा रहा हूँ इसको डिटेल में मैं तकरीबन 25 घंटे में समझाता हूँ, जो मैंने अभी 2.5 घंटे में समझाया आपको. yes, इसके sir. लिए 25 घंटे का टाइम लेता हूँ. okay. तो वो लोग ज्वाइन करते हैं जो एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और अपने ऑफिशियल जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि मैं 15 साल ऑफिस में भी काम कर चुका हूँ तो मुझे yes, पता sir. है कि आप लोगों के पास रियल प्रॉब्लम होता क्या है. यस सर, मैं अपना क्लास को बहुत क्लीन करने की कोशिश की है आज, क्योंकि 25 घंटे की टॉपिक को 2.5 घंटे में कंप्रेस करना समझ सकते हैं बहुत डेफिनेटली. तो आप लोग मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं फर्दर कोई प्रॉब्लम हो या फिर एक्सपर्ट लेवल की ट्रेनिंग के लिए, या आप मेरे यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, 3000 से ऊपर वीडियोज है, आप लोग लर्न कर सकते हैं एक्सेल वीवीए और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर. चलिए आगे, और किसी को प्रॉब्लम है सर? इसमें एक चीज और बता दीजिए, आपने जो नहीं बताया प्लीज, कि इसमें ड्रॉप डाउन कैसे लगाते हैं, क्योंकि एक्सेल के फॉर्मेट्स में ड्रॉप डाउन लगाने की जरूरत होती है. देखिए ड्रॉप डाउन वाली जो फीचर्स है आखिर मैं कल समझाने वाला हूँ, लेकिन अभी जो मैंने आपको एक बताया है सिटी वाला आपने शायद देखा होगा. हाँ जी. तो जैसे कि डेटा वैलिडेशन से आप लगा सकते हैं, जैसे कोई भी लिस्ट लगाना चाहे तो एरिया को सिलेक्ट करें और यहाँ डेटा वैलिडेशन होता है, इसमें जाए एनी वैल्यू को चेंज करके लिस्ट पे आ जाए और अपना फील डाल दे. पूजा सिटी है ना, नोएडा कानपुर, इस तरह से लिस्ट डाल और यहाँ से आप इजिली सेलेक्ट कर सकते हैं. लेकिन इसको लिस्ट बॉक्स बोलते हैं, लिस्ट डाउन करते हैं, लेकिन जो लिस्ट बॉक्स है वो आपका यहाँ मिलता है, जिसके बारे में हम आपको कल बताएंगे आपके डायनामिक चार्ट के ऑप्शंस में. इसके लिए आपको ऑफसेट का फॉर्मूला सीखना होगा. अगर सिटी में जाके एक सेलेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे? कीजिए ना, इस पर डॉट डॉट कीजिए और सेलेक्ट कीजिए, क्लिक कीजिए माउस. क्या आप अल्ट के साथ आप डाउन एरो प्रेस करेंगे, वो भी कर सकते हैं. अल्ट प्रेस किया और डाउन एरो आ गया लिस्ट, या फिर जैसे ही इस पर कर्सर रखेंगे साइड में दिख जाएगा आपको. क्लिक करते हैं, ठीक है. ओके, अगला कोई टॉपिक के बाद अरविंद राय जी, कोई प्रॉब्लम है आपकी? सर नहीं, हम नो नो. ओके, ऐसे और भी कोई डाउट होंगे तो पहले आप वीडियो को देखिएगा, उसके बाद डिस्कस कीजिएगा. वीडियो अभी का तुरंत वीडियो मेरे YouTube पे मिल जाएगा, क्योंकि मैंने इस क्लास को लाइव कर दिया है मैंने YouTube पे आप लोगों के लिए, क्योंकि फिर कन्वर्ट होने में बहुत टाइम लेता है, 2.5 घंटे का है तो ये 3-4 घंटे कन्वर्ट होने में ले लेता, इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया है. आप IPT इंडिया सर्च कीजिएगा, वहाँ पे मेरे चैनल पे लेटेस्ट वीडियो होगा, उसको आप देख लीजिएगा. ऐसे मैं कन्वर्ट करके फिर इसको आप लोगों को भेज देता हूँ. और कल से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं अभी देख रहा था कि बार बार रीज्वाइन आप लोग कर रहे थे, तो प्लीज़ मत कीजिएगा क्लास में, क्योंकि दिक्कत होती है बार बार यहाँ पे अलाउ करना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट कोई ज्वाइन नहीं कर सकता, उससे पहले मुझे अलाउ करना पड़ता है. और दूसरी चीज़ टाइम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी एक हंस कॉल जी ज्वाइन किए हैं, अब देखिए अभी इनको मैं एडमिट करने के. तो कल मिलते हैं 2 बजे. ओके सर. ओके बाय. ओके सर, थैंक्स, बाय. ओके.